She said, young lady, you're going in for chemotherapy. Sitare kuch aur the aage. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fusha Magazine. And today, who is in our studio? Who is with us? Who are my guests today? पहले तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज़ रियली इंस्पायर्ड बाई द स्ट्रगल जो उनकी है. आई वॉज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाई हर. उनका जो अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह पे जो तवक्कुल है थ्रू आउट हर स्ट्रगल पीरियड, आई थिंक मुझे जिस तरीके से वो इम्प्रेस किया और मुझे जिस तरीके से इंस्पायर किया उसको शायद मैं सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ. फिर मुझे वो इसलिए भी बहुत इंट्रीक करती हैं कि उनके पेरेंट्स हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े आइकॉन हैं. एंड नाउ हरसेल्फ, शी हरसेल्फ इज़ अ फोर्स टू रेकन विद. तो इन सब जज्बात, इन सब ख्यालात के साथ आज मैं स्टूडियो में बैठी हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन आप लोगों तक भी पहुँचा सकें और थोड़ा उनके बारे में जान सकें, जो मुझे लगता है बहुत सी बातें जो लोगों को नहीं पता. तो मिलते हैं लैला वास्ती से. अस्सलाम वालेकुम लैला. अस्सलाम वालेकुम राबिया. कैसी हैं? अब हम हंस रहे हैं. हुआ ये था कि जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मुझसे इंट्रोडक्शन दिया ही जा रहा था और हम हंसे जा रहे थे. शी इज लाइक, राबिया, ये डू यू डू दिस विद एवरी गेस्ट? आई वाज लाइक, नो, नॉट एवरी, बट सम कुछ के साथ होता है. बट आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया और मैं मुझे बस तो उससे ना मुझे थोड़ा सा हो गया कि यार ये जो हैं मेरी गेस्ट वो इतनी जेन्युइन, इतनी ऑनेस्ट, इतनी प्योर हैं कि मुझे वो मैं आई होप मैं जस्टिस कर सकूं उनसे बात करने में, यू नो, उनसे. यू सेड सच काइंड वर्ड्स फॉर मी इन द इंट्रोडक्शन एज वेल. नो, आई रियली मेंट दोज बिकॉज़ मुझे याद है मैंने पढ़ा, आई थिंक हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जब आपको पता चला, जब जिंदगी का एक वो शॉक आपको लगा कि यू ओनली हैव 48 आवर्स टू लिव. जब आपको बताया गया कि सिर्फ 48, आई होप मैंने उर्दू में सही बोला है, 48 घंटे हैं आपके पास जिंदा रहने के लिए. और आपका पहला जुमला ये था कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तकलीफ दी है तो अल्लाह इसका सलूशन भी देगा. एक्चुअली इट वाज द एक्चुअल वर्ड्स वर अल्लाह मियां, यू गेव इट, यू विल फिक्स इट. बिल्कुल. आई डिडंट आस्क. मैं आई डिडंट आस्क हिम. ओके, यू डिडंट आस्क. आई हैड फेथ. आपको आपको फेथ था. आई हैड कंप्लीट फेथ. आई सेड यू गेव इट, यू विल फिक्स इट. बिकॉज मुझे सिर्फ उस वक्त कंसर्न था अपने पेरेंट्स का, ऑफ कोर्स, एंड मेरे हस्बैंड का. एंड आई वाज इन अमेरिका एंड वो लोग पाकिस्तान में थे. एंड इट वाज जस्ट अ वेरी सडन थिंग. आई वाज जस्ट विजिटिंग माय चचा चची एंड फ्रेंड्स इन अमेरिका. वो एवरी सिक्स मंथ्स वो ग्रीन कार्ड के लिए जाना होता था. तो इट वाज जस्ट दैट ट्रिप. एंड सिम्टम्स को एज सच कुछ खास नहीं थे. इट्स जस्ट कि मौसम वहाँ का, चचा चची के पास बहुत ठंड थी. एंड आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स द कोल्ड वेदर. तो हमेशा हाथ पैर ठंडे होते हैं. तो मैं उनको बार बार कह रही थी कि अंकल से कह रही थी कि बस हीट बढ़ा दें घर में. सर्दी आपको ज़्यादा लग रही थी? बर्फ़ थी बाहर. तो आई वाजंट यूज्ड टू दैट. आई लिव्ड हाफ माई लाइफ इन पाकिस्तान एंड हाफ माई लाइफ इन एलए. आई स्टडीड इन एलए. तो वहाँ का वेदर भी पाकिस्तान जैसा ही है. आई थिंक इट्स द बेस्ट वेदर इन द वर्ल्ड. तो बस मैं ये सिम्टम्स थे कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी. एंड उधर से मैं निकली और अपनी बेस्ट फ्रेंड अस्का के पास गई. वो एक घंटा दूर थी, वो कनेक्टिकट में थी. एंड उसके बाद मैं एक और फ्रेंड के पास गई. एंड देन आई जस्ट कोलैप्स्ड. दे टुक मी टू द हॉस्पिटल. अच्छा. कुछ एज सच कोई सिम्टम्स नहीं थे. एंड मैं गई हूँ एंड वहाँ शेरी ग्रोव हॉस्पिटल था. वो कम्युनिटी हॉस्पिटल था. वो इतना स्पेशलाइज नहीं करता था इन इस तरह की चीज़ों में. तो दे हैड मी एयर लिफ्टेड इन अ हेलीकॉप्टर टू जॉन्स हॉपकिंस. और आप उस वक्त कॉन्शियस थी? आप जागी नहीं थी? Yes. या आपको पता था क्या हो रहा है कि वो एयर लिफ्ट आपको kind of. लेके जा रहे हैं? हाँ, उस वक्त तो मैं थी. एंड माई बेस्ट फ्रेंड अस्का ड्रोव लाइक 9 hours डाउन. शी केम, शी वॉज विद मी इन द हेलीकॉप्टर. तो उस वक्त तक मुझे कोई, उन्होंने बायोप्सी की एंड ऑल, दे कुडंट हैंडल इट. सो दे सेंट मी टू जॉन्स हॉपकिंस. और आप देखिए, अल्लाह मियाँ आपको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसके सलूशन कितना करीब होता है. मैं कभी भी मैरीलैंड और जॉन्स हॉपकिंस के करीब गई ही नहीं थी. जस्ट विजिटिंग फ्रेंड्स कि वो टाइम गुजारना होता था ग्रीन कार्ड के लिए. तो मैंने कहा सबसे मिल लूँ. दैट्स इट. इट वाज जस्ट अ ब्रेक. एंड आप सोचें कि जॉन्स हॉपकिंस जो बेस्ट हॉस्पिटल फॉर कैंसर इन द वर्ल्ड है, मैं उससे 15 मिनट दूर थी.
तो अल्लाह मैंने प्रॉब्लम दिया साथ ही सोल्यूशन दिया. बिल्कुल. तो ही इज़ दैट काइंड एंड मर्सीफुल फॉर ऑल ऑफ अस. एंड बस फिर जब हेलीकॉप्टर में गए, जैसे हम उतरे, इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग, December 25th, 2008. तो क्रिसमस पे तो नहीं गई मैं. क्रिसमस मॉर्निंग पे कैसे जा सकती थी मैं? आई वाज लाइक नहीं, यू नो, हज़रत ईसा अलैहि सलाम का दिन है. वो तो हीलर थे. बिल्कुल. तो उन्होंने कहा, जैसे मैं उतरी, तो आप सोचें कि इतनी सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स वर वर्किंग ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. यस. वो छुट्टी पे नहीं थे. तो 15-20 लोग जैसे छलांग मारी. एक बड़ी उम्र की खातून थी. एंड शी सेड, यंग लेडी, यू गोइंग इन फॉर कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी मुझे रजिस्टर हुआ. आई सेड व्हाई? एंड शी सेड यू हैव एएमएल. आई सेड मुझे क्या पता एएमएल क्या है. शी सेड अक्यूट, व्हाट इज दैट? शी गोज, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया. सो आई अंडरस्टूड ल्यूकेमिया. आई सेड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई कुड सी, आई कुड हियर. एंड देन व्हेन यू आर इन अमेरिका, आपको कंसेंट फॉर्म साइन करने पड़ते हैं. एंड तो आई सेड शुक्र है कि मैं खुद से साइन कर सकती हूँ. बिकॉज मेरी फैमिली वहाँ नहीं थी. सो एंड देन दैट्स व्हेन आई सेड अल्लाह मियाँ थैंक यू. लेकिन जब आपको पहली, मतलब जब उन्होंने बोला ये जुमले उन्होंने बोले कि 48 आवर्स हैं आपके पास, तो मतलब आई नो दे सेड हॉपकिंस सेड यू हैव द लोएस्ट ब्लड काउंट वी हैव एवर सीन. हॉपकिंस ये कह रहा है. आई वाज लाइक ओके. दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो एक हकीकत भी लग रही थी आपको कि कोई आपको बोल रहा है कि आप सिर्फ अगले 48 घंटे के लिए जिंदा हैं? आपको ये हकीकत भी फील हो रही थी? आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो अपना सोचता है बहुत ज़्यादा. Okay. मैं हमेशा दूसरों का सोचती हूँ. तो वो हिट ही नहीं किया आपको? तो मुझे अपना सेकेंडरी लगा. और मैंने कहा अम्मी अब्बू को क्या कहना है, मियाँ को क्या कहना है. दैट वॉज माई मेन कंसर्न कि ये लोग तो डेविस्टेट हो जाएंगे. तो दैट वाज जस्ट देन आई जस्ट सेड अल्लाह मे यू विल फिक्स इट. ओके ओके. और फिर आप बहुत अरसे तक अकेले वहाँ पे थी? अकेले थी क्योंकि किसी के पास वीज़ा ही नहीं था. अम्मी अब्बू का तो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, उसमें टाइम लग गया. मेरे मियाँ कभी पहले गए नहीं थे अमेरिका, तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा चेक कर रहे थे. 3-4 महीने उन लोगों को लग गए थे. सो या आपने कॉल करके खुद को बताया अपने पेरेंट्स को? नहीं, इन लोगों ने जो पिछला हॉस्पिटल था उन्होंने कॉल करके उनको बता दिया. तो दे वर ऑल डेवास्टेटेड. एंड और कितना मुश्किल टाइम होगा ना उनके लिए भी कि वो आ नहीं सकते अपनी बेटी. राइट राइट. और आपके लिए भी? यस. उसके बाद तो मेरा तो ऐसा टाइम शुरू हो गया था कि बहुत हाई डोज साइटारबिन दी गई थी मुझे, विच इज़ हाई डोज कीमोथेरेपी. एंड विद इन अ वीक और सो मेरे बाल ऐसे, जैसे आपने मुंह धोया तो यूँ किया तो बाल सारे हाथ पे आ रहे थे. तो मैंने कहा जस्ट शेव इट ऑफ. तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाती हैं लैला? मतलब वो हमेशा से था. मतलब वो अल्लाह से कनेक्शन बचपन से था. बचपन से हमेशा से स्पिरिचुअल रिलीजियस. आई डोंट थिंक पीपल हु से देयर प्रेयर्स 5 times अ डे आर रिलीजियस. वो आप अपनी अल्लाह मियाँ देखिए. We can say कि नमाज सिर्फ क्राइटेरियन या रिलीजन या अल्लाह से करीब होने का. I just feel कि नमाज पता क्या है, हम जैसे फ़ोन है वो हमारा चार्जर है. अल्लाह मैंने हमारी बॉडी बनाई है, उनको पता है कि आग में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये करेंगे तो ख़राब, ये करेंगे तो अच्छा होगा. तो ही नोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर अस. तो दैट इज़ आर कनेक्शन. वो बचपन से था. वो नमाजें दादी जान से मेरी बचपन से थी. अच्छा. बट उसके अलावा भी देयर वॉज लाइक दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन. That was always there. And I think it was there for this moment maybe that us waqt I didn't. I'm strangely enough, I don't panic in crises. In a crisis I don't panic. मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको पता है मैं बहुत ही रोंदू. कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाए ना, कोई भी चीज़ अगर चली जाए ना कि मुझे ये ऐसे चाहिए थी और वो ऐसी कोई नहीं हुई जाए. हाँ. तो मैं तो मतलब अल्लाह से शिकवे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ. और अच्छा, मैं व्हाई मी जो है ना वो मैंने कभी नहीं किया कभी. इसी तो मैं इतनी इंस्पायर हो रही थी. नहीं व्हाई मी थाई नहीं. मैं आपसे ले लूं ये थोड़ी सी. आई विल टेल यू समथिंग. दिस इज समथिंग आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल. मेरी अम्मी, आई टेल यू स्मॉल थिंग. जब मैं टीवी पर आई, आई वाज वेरी यंग, 16 और सो. उसकी भी कहानी की कैसे आई थी वो बाद में बताऊंगी. ठीक है. सो आई सेड टू अम्मा कि अम्मा हम तो हर एक को हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं. आप पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पहने. आई वांट द अदर पर्सन टू लुक बेटर देन वॉट एवर दे आर डूइंग राइट नाउ. मैं कहती थी अम्मा हम किसी से जेलस नहीं होते, तो
लोग हमसे जेलस क्यों होते हैं? सिंपल क्वेश्चन अ टीनेज वुड आस्क अ मॉम. शी से बेटे यू वेरी लकी, क्योंकि आपकी नेचर भी आपकी किस्मत है. ये बात बिल्कुल सही कही आपने. सो दैट स्टक विद मी. सो दैट हेल्प्ड मी इवन व्हेन द टाइम जब ये हुआ मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि आई जस्ट थॉट कि वो तो अल्लाह इज गोइंग टू फिक्स इट. वो तो फेथ 100% था ही था. देन सेकेंड चीज इज डॉक्टर्स पे बिलीव करें आप, कि दे डेफिनेटली नो बेटर देन आई डू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. जो वो कह रहे हैं वो सही है. एंड थर्डली मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं नेगेटिव हो जाऊँ बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाऊँ, या मैं पॉजिटिव हो जाऊँ. सो आई चोज टू बी पॉजिटिव. सो देन जितना भी दर्द था, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी बगैर एनेस्थीजिया के इंजेक्शंस लगते थे, पाइप्स डलते थे टू द हार्ट, एंड आई वाज टू वीक टू टेक इट. सो उसमें सिर्फ आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकते थे, बिकॉज़ आई चोज दैट पाथ. आप बिलीव करोगे राबिया, इवन अगर आपका इंटरव्यू बहुत लॉन्ग हो जाता है, यू कैन कट दीज थिंग्स आउट. मेरे साथ वाले कमरे में जॉन्स हॉपकिंस में कोई था लड़का जिसने कहा आई कैंट टेक इट, एंड उसने अपनी पाइप्स निकाली और ब्लीड करता हुआ चला गया. इतना पेन की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, ये भी पता चला लाइफ में. तो फिर टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी ऑफ पीरियड ऑफ 7-8 years शॉर्ट, बहुत सारे कीमोथेरेपीज हुए, उसमें बाल चले गए, लैशेस भी चले गए, एंड खाना पीना कुछ नहीं था क्योंकि वो सिर्फ आईवी पे आपकी मेडिसिंस लगती थी, एंड कीमोथेरेपी का भी बैग लगता था सिर्फ एक, इट्स लाइक एन आईवी, जस्ट टू लेट योर व्यूअर्स नो के बहुत सारी चीज़ें मैंने भी तो लर्न की. एंड उसके बाद 4 doses ऑफ कीमोथेरेपी हुआ. कीमोथेरेपी में ये होता है कि आपको वो बैग लगता है, 5 दिन आप सिर्फ वॉमिट कर रहे होते हैं और आप इतने वीक होते हैं कि कुछ खाना होता नहीं है, तो बिच इज जस्ट रेचिंग. एंड उसके बाद आपका ब्लड काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो गुड एंड बैड सेल सब ख़त्म कर देता है. अच्छा. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वो 10-day पीरियड होता है जब आपका ब्लड काउंट बढ़ता है, फिर आपको दोबारा कीमोथेरेपी देते हैं. 4 दफ़ा ऐसे होता है, 4 दफ़ा मिनिमम होता है. एंड उसके बाद आपको रेडिएशन देते हैं. तो ये जो मैंने ये कलर जो मैंने पहना हुआ है ना, ये कलर मेरी स्किन हो गई थी पूरी हेड टू टो. मैं सिर्फ देखती थी कि मेरे मियाँ और मेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है. वो लोग तब तक पहुँच गए थे वहाँ पे, बिकॉज मुझे 3-4 months हाँ, उनको 4 महीने लगे थे आप तक पहुँचने में. पेरेंट्स पहले आए थे, हस्बैंड पेरेंट्स आ गए थे, फिर अब वापस चले गए थे 1-2 महीने में, फिर माय हस्बैंड के मैंने अप्रैल. यू आर वेरी यू रियली रिसर्च मी मैन. नो बिकॉज आई वाज जस्ट सो इम्प्रेस, आई केप्ट रीडिंग यू नो आई वाज. और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बहुत कुछ होना है. अभी तो ये शुरू हुई है. अभी तो ये शुरू हुई है. दिस वाज द बिगिनिंग. दिस इज द बिगिनिंग. सो दिसंबर टू अप्रैल ही समझे आप ये हुआ. हस्बैंड केम इन अप्रैल. मैंने जॉन्स हॉपकिंस से कहा कि मुझे ट्रैवल करना, आई डोंट वांट टू बी इन दिस प्लेस, आई वांट टू बी बैक वेयर आई स्टडीड एट UCLA इन लॉस एंजेलिस. असल मुझे ये ठंड वाली जगह पसंद ही नहीं है, आई वांट टू गो टू LA, मुझे वहाँ के सिस्टम में आप ऐड कर लें. तो जॉन्स हॉपकिंस इज़ अ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी, और आप सोचें कि वहाँ पर $500,000 की मेरी एक एक कीमोथेरेपी होती थी, जो कि बिकॉज आई वॉज अ ग्रीन कार्ड होल्डर तो मुझे फ्री में मिली थी. मैं एक्चुअली यही बात सोच रही थी, पर मुझे लगा नहीं कि सही कि मैं पूछूँ आपसे. नहीं पूछे, लोगों को तो नॉलेज है ही नहीं. सो आप देखें कि वो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक पाकिस्तानी मुसलमान के लिए क्या कुछ कर रहे थे. They never asked me anything. If I'm a citizen, I'm a citizen. उस समय citizen नहीं थी, green card पे मैं resident थी. उसके बाद मैंने कहा मुझे ये Maryland में नहीं रहना है, मुझे जाना है, बस पता नहीं क्यों. I just wanted to be somewhere which was home. और बीच में ऐसा time आ गया था कि मैं बहुत इतनी weak हो गई थी राबिया, that मैं जागी होती थी, मैं ऐसी बैठी होती थी, मुझे आँखें नहीं खुलती थी. ऐसे बैठी हूँ, eyes are closed, I could not open my eyes. And I had my मेरी distant अबू अम्मी की cousin थी, गोल्डी खान, गोल्डी पप्पो, वो आती थी रोज़, एंड वो रोज़ सूर्य रहमान लगा देती थी, मेरे इर्द के दुआएँ करती थी. God bless her, she was
अ गार्डियन एंजल फॉर मी देन जब तक मैं एलए नहीं आई. तो जब मैं एलए आने का मैंने बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भेज सकते हैं, आप बहुत वीक हैं. मैं कहा आई डोंट केयर, आई वांट टू गो समवेयर व्हिच हैज सम सेम्ब्लेंस ऑफ होम एंड आई सेड यू कैन नॉट रिफ्यूज मी. आपको पता है वहाँ पे इतने लॉज ऐसे हैं कि अगर पेशेंट, जैसे वो आदमी निकल गया था, अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे कि मुझे एक चीज़ नहीं करनी, फोर्स नहीं कर तो फोर्स नहीं कर सकते. सो आप उनके अगेंस्ट विशेस के? हाँ, मैंने कहा मुझे इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन डालें कि मैं एक फ्लाइट ले सकूँ. ओह वाओ, ओके. माय मदर वाज विद मी, तब तक मेरे मियाँ नहीं आए थे. ओके. तो उन्होंने यूँ देखा मुझे, फिर उन्होंने कहा ऑल राइट, वी विल डू आवर बेस्ट. तो इतनी सारी बातें अब याद आ रही हैं क्योंकि बात कर रही हूँ तो सब चीज़ें फ्लैश कर रही हैं. तो या देन आई लेफ्ट फॉर एलए, अम्मी के साथ आ गई एंड उसके एक महीने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे एंड उसके बाद फिर और कीमोथेरेपी. रोमांटिक चीज़ तो बताएं ना भाई, थोड़ा दुख में हम रोमांस भी डालें कि एयरपोर्ट पे खुद लेने गई थी अपने हस्बैंड को. हाउ डिड यू नो? ओह माय गॉड राबिया, मेरी कहीं इतनी एक फिल्म बम की था चढ़ रहे, which is not to take away the seriousness or the importance of the situation, but serious, क्या life is too serious. डाले ना तो वो क्या था, वो क्या दिल में कुछ हो रहा था या थोड़ा ये भी था. वो पहली दफा आए थे तो उनको काफी देर रोक लिया था चेकिंग में, कस्टम्स में. और आप भाई वेट कर रही थी? मैं वेट कर रही थी. Yeah, I was wearing a scarf on my head because I had no hair. But he came up to me and he looked at me and he was like, "Theek to ho." So nice. Yeah. Because instead of making a big deal, he made it so normal. You cannot imagine. I think I'm alive today. Allah and then my parents and then I just wanted to live for him. I just wanted to be the best of what I could be for him. तो जब उन्होंने ये बोला तो अब धड़ धड़ रोना शुरू हो गई? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट हैप्पी, आई जस्ट हग्ड हिम. ओके. एंड ही वाज लाइक, यू आर ऑलराइट, यू लुक ग्रेट, यू आर सो ब्यूटीफुल. चलिए, यू नो, ही इज जस्ट द मोस्ट अमेजिंग मैन इन द होल वर्ल्ड आई थिंक. अभी मालूम करते हैं मिले कैसे आपको आगे. क्या यहाँ पे करें फिर स्टोरी को दोबारा लेके चलें या पहले ये पार्ट खत्म करें फिर उस पे आएं? क्या ख्याल है आपको? नहीं आप बताएं, जो आपको समझ आए. आपको तो सब कुछ पहले ही पता है लेकिन ऑडियंस को नहीं पता. चलिए फिर आई थिंक कंटिन्यू करते हैं कि सैडली यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई. या आपको फिर एक और शॉक मिला आई थिंक कुछ महीने बाद. बट देन दे सेड कि अब रेडिएशन के बाद वी वांट टू ट्राई फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. सो फैमिली सबसे पहले होती है, सिबलिंग्स को चेक करते हैं, नोबडी मैच्ड, पेरेंट्स, माय हस्बैंड, नोबडी मैच्ड. आप देखिए अल्लाह मियाँ ने लोगों को जब बोन मैरो डोनर नहीं मिलता, सालों तक नहीं मिलता, तो उनकी कीमोथेरेपीज चलती ही रहती हैं, पेनफुल प्रोसेस चलता रहता है, उनको मैच ही कोई. अच्छा, तो अगर बोन मैरो मिल जाए तो फिर कैंसर क्योर हो जाता है? सॉरी, मैं बड़ा डम क्वेश्चन पूछ रही हूं. नहीं, डम क्वेश्चन नहीं है. हाँ, मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी. सो आई गेट टू दैट. सो अगर आपका बोन मैरो डोनर मिलता है तो आप उसको आपका फिर आप मैच करते हैं. इट हैज़ टू मैच लाइक 9 1/4 out of 10 आपका, जैसे DNA होता है वैसे राबिया HLA होता है. इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द ब्लड. ओके. सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने क्या क्या कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ मिरेकल. तो वो 9 1/4 HLA शुड मैच आउट ऑफ 10. तो दैट इज़ समबडी जिसका ब्लड आप लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लोगों को एक भी नहीं मिलता. मैं समझी थी पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, कोई ये रीजन से मुझे मिलेगा क्योंकि एथनिसिटी काउंट करेगी, मैं कहाँ से हूँ और मुझे वहाँ से मैच मिलेगा. पाकिस्तान में उस ज़माने में, आई डोंट इवन नो अगर अभी तक है कि नहीं, बोन मैरो रजिस्ट्री नहीं थी. इंडिया में थी, आई थिंक चाइना में थी. तो मैं सोचा था इस रीजन से कोई मैच करेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा आपके सिबलिंग्स और फैमिली ने मैच की तो वी विल लुक इंटरनेशनली. उन्होंने मेरे भाई को लंदन में भी किट भेजा फॉर टेस्टिंग एंड स्टफ, बट नहीं मैच किया कोई मुझे. तो उन्होंने फिर अपनी नेशनल इंटरनेशनल बोन मैरो रजिस्ट्री को देखा एंड उसमें से मुझे एक नहीं 19 डोनर मिले. wow. जो मुझे मैच करते थे. तो आप देखें ना,
अल्लाह ने कितना सहूलत दी, एक नहीं 19, आई नो लोगों को नहीं मिलते वो 19 जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी. अक्सर ये होता है कि जैसे, और आपको पता है बोन मैरो रजिस्ट्री में होना इतना कोई मुश्किल नहीं होता. कॉटन स्वाब आपके सलाइवा का लेते हैं, थूक से लेते हैं, उससे आपको आप डेटाबेस में चेक करते हैं और फीड कर देते हैं. 19 में से अगर 10 भी कहते हैं कि हम अब नहीं हैं यहाँ पे, अमेरिका में नहीं हैं या अब नहीं, तो कितने मैचेस थे. तो 2 साल फिर मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसे होता है, लोग समझते हैं कि डोनर को तकलीफ होती है. आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी कि बट दो चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक अच्छा है, विच आई वुड लाइक टू से, अगर हम सब रजिस्टर करा सकते हैं तो हम कराएं, बिकॉज़ प्रोसेस नहीं है. देयर इज वन हियर, नहीं है तो वी शुड क्रिएट वन. आई वाज वेरी सैड अबाउट दैट आल्सो, आई ट्राइड टू गेट वन. मुझे लगता है आई एम होपिंग कि पाकिस्तान में, हां आई एम नॉट श्योर, उस वक्त नहीं था एटलीस्ट. तो और दूसरा आप बताई थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता कैसे. ट्रांसप्लांट होता कैसे, इट्स जस्ट अ बैग ऑन द आईवी. वो डोनर का ब्लड विद इन 24 आवर्स मिलता है और वो आपके सिस्टम, मेरा पूरा सिस्टम यानी कि ब्लड पूरा क्लीन हो जाता है विद द रेडिएशन, जीरो, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी का नो इम्यून सिस्टम, नो रेजिस्टेंस. उसके बाद वो डलता है. तो वो आया, उन्होंने कहा इंटरनेशनल डोनर है, आपको आइडेंटिटी बताते नहीं है शुरू में. ठीक है, उसका भी एक रीज़न है, आइडेंटिटी नहीं बताते. उन्होंने कहा इट्स अ मेल, इट्स समवन हु इज 41 इयर्स ओल्ड एंड कोई आईसीयू नर्स है. अच्छा ठीक है, उन्होंने वो लगाया बैग. उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो ब्लड को रिकग्नाइज नहीं करती. बॉडी कहती है दिस इज नॉट माई ब्लड, गेट आउट ऑफ हियर. ये क्या है, एंड द ब्लड थिंक्स दैट द बॉडी इज फॉरेन एंड देयर इज लाइक अ war. Fight. Yeah. So some of the fight is required ताकि आपका जो भी कोई bad cells हैं, cancer basically is something that multiplies in your body जो आपकी body को requirement नहीं है. Okay. हर Hopkins कहता है हर इंसान में cancer cells हैं. किसी के होते हैं multiply, किसी के नहीं होते. आपके immune system पे और timing पे depend करता है, कहीं आपकी immune system weak है उस वक्त को कैंसर सेल्स आए या मल्टीप्लाई हुए और आप बॉडी रिजिस्ट नहीं कर सकी, दैट्स जस्ट कैंसर. हमारे घरों में तो हम लोग कैंसर बोलते भी नहीं थे, दादी जान कहती थी ये वर्ड भी नहीं बोलो, यू नो, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कहता भी नहीं है ये. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया अपने अरसे के बाद. 3-3, 4-4 महीने में रहती थी और 10-10 दिन घर आती थी. तो मैं गई घर, तो मुझे स्टमक में दर्द शुरू हो गया. तो सम ऑफ दैट वॉर इज़ नीडेड बट सम ऑफ दैट वॉर इज़ नॉट नीडेड, इट कैन बी फेटल, इट कैन किल यू. तो वो ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. इसको कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़. तो मैं हर हफ्ते जाती थी चेकअप्स के लिए. एंड जब मैं एक दिन गई तो मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने मुझे फिर रोक ही लिया और एडमिट कर लिया. उस दिन मैं बहुत दुखी हुई, थॉट के बोन मेरा ट्रांसप्लांट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, बट माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव. आई सेड नहीं, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू. तो वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हुआ, फिर मैंने उसको फाइट किया. उसको फाइट करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, आई हार्डली हैड एन इम्यून सिस्टम. अब स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक दवाई होती है जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं एंड देन दे वर्क आउट, बट मैं तो एक वेजिटेबल थी ना. तो स्टेरॉइड्स दिए, उससे क्या हुआ कि वो बोन्स पे इफ़ेक्ट करता है. तो पूरी पूरी रात जैसे घुटने से लेके पाँव तक जैसे कोई जैगेड आरी होती है ना, नॉट अ शार्प नाइफ, जैसे आरी होती है वो कोई 100 ऊपर से नीचे विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ सेकेंड, मुझे लगता था कोई काट रहा है ऊपर से नीचे. पूरी रात जैसे चीखे मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये करती थी. And my husband was so affected by it because men are fixers, they want to fix things. And when they see someone they love going through that pain, wo unke liye unbearable hota. Puri raat yun khade rehte the, baithte nahi the, khade rehte the. Phir agli raat kya hota tha, jaise baazu mein waari chal rahi hai bones without stopping, वो bones जो deteriorate हो रही होंगी. कैसे बर्दाश्त किया है आपने ये सब कुछ? बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया ही कुछ नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ने करवाया. He held my hand throughout. I did nothing. I just gave myself up to him.
जब आप सुपुर्द कर देते हैं ना अपने आप को, तो फिर आपने कुछ करना ही नहीं है, उनका काम है. फिर अगले दिन क्या होता था, दोनों में हो रहा होता था. फिर ऐसे दर्द की मैं आपको इकसाम का बता रही थी. फिर हार्ट में जैसे फील होता था, जैसे को पतला चाकू हर हार्ट बीट पे लग रहा है. तो मैंने एक दिन पैनिक में डॉक्टर को ही कॉल कर लिया कि क्या, उन्होंने कहा ये तो होगा, ये तो कीमोथेरेपी का रिएक्शंस हैं. फिर अगले दिन बैक में, जैसे बैक ऑफ द रिब केज में फील हो रहा है कि चाकू लग रहा है. और तीसरे दिन दोनों में हो रहा है. तो मैं यूं करके क्लॉक देखती थी, मुझे, मैं आंखें बंद करती थी, मुझे लगता था घंटों गुजर गए और वहाँ एक मिनट नहीं गुजरा होता था कि बस ये खत्म, ये रात गुजर जाए बस. तो इतनी सारी पेन्स के बाद वो स्टेरॉइड्स आर लाइक अ डबल एज सॉर्ड, दे कैन फाइट योर वॉर फॉर यू बट दे ईट अप योर बोन्स. तो उसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में घर चली गई. ये फाइट करने के बाद भी घर चली गई. थोड़े दिनों के बाद मुझे अपने लेफ्ट हिप में दर्द शुरू हो गया और इतना कि चला नहीं जा रहा था वजन, और मेरा वज़न भी कोई 90 pounds होगा उस वक्त, वो भी मेरा हिप नहीं ले रहा था. तो जो फीमर होता है हमारा वो नहीं ले रहा था. तो उन्होंने कहा हम एक बोन डीकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं, वी ड्रिल इनटू योर फीमर एंड वी पुट इन सम सीमेंट टू मेक दैट फीमर नॉट कोलैप्स, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. तो उन्होंने वो किया फरवरी 2010. सो आई एम टॉकिंग 2008 दिसंबर से, अब 10 हो गया. 2010 में ये बोन डिकम्प्रेशन सर्जरी हुई और थोड़ा दर्द रहा, इट डिडंट रियली कोलैप्स. एंड बाय जनवरी 2011, बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2011, आई थिंक इट कोलैप्स्ड. एंड दे सेड कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी. आई सेड यू शुड हैव डन इट लास्ट ईयर, कर ही देते. मैं इतने अरसे पूरा साल, नहीं, फरवरी 10 टू जनवरी 11, पूरा साल ही हो गया. अब ड्यूरिंग दैट टाइम माय फादर फेल फ्रॉम हिज बेड, पाकिस्तान में थे, वो बिस्तर से जैसे रोल आउट करते हैं ना, गिर गए. उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी थी एट द सेम टाइम व्हेन दे वर रेकमेंडिंग इट फॉर मी. सो व्हेन आई टोल्ड द डॉक्टर्स, आई सेड आई नीड टू गो टू पाकिस्तान, माय फादर इज नॉट वेल, दे सेड यू कैन नॉट ट्रैवल, यू नॉट फिट टू ट्रैवल. एंड और मुझे पता था कि मेरे अब्बू चले जाएंगे, क्योंकि मैंने एक छोटी सर्जरी की है और डबल मेरी एज से डबल हैं, वो इतना पेन कैसे लेंगे. मुझे एक गट फीलिंग हो गई थी कि मेरे अब्बू सर्वाइव नहीं करेंगे. आई डोंट नो बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. एक फरमाइशी प्रोग्राम थी भाई के बाद, ही जस्ट वांटेड कि मुझे एक बेटी चाहिए. ज़रा गोरा टाइप आदमी थे वो, तो टिपिकल नहीं थे, वॉन्टेड अ डॉटर. मुझे बस एक फीलिंग हो गई थी और उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई. तो सर्जरी से पहले ब्लड कोएगुलेंट देते हैं, ब्लड थिक करने के लिए, ताकि लूज ना करें ब्लड. और सर्जरी के बाद ब्लड थिनर देते हैं. तो वो घर आ गए थे और उनको ब्लड थिनर शायद नहीं दिया डॉक्टर ने. सो द ब्लड क्लॉट वेंट टू हिज ब्रेन, ही डिडंट वेक अप आफ्टर अ वीक और सो. एंड मुझे पता था, आई हैड अ फीलिंग, मैं नहीं जा सकती थी. और आप नहीं पहुंची. एंड आई एम ग्लैड कि मैं नहीं थी, कि मेरे अब्बू, मैं अगर सामने होती तो शायद उन्हें और तकलीफ होती जाने में. आप अक्सर देखें कि लोग जिनकी डेथ होती है ना, सबसे प्यारा होता है वो उसी वक्त निकला होता है कहीं जाने के लिए और पीछे डेथ हो जाती है. आई डोंट नो, अल्लाह मियां का कोई सिस्टम है, मे बी इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू गो टू द अदर वर्ल्ड. अगर लव्ड वन सामने होता है तो शायद तकलीफ ज़्यादा होती है. बट आई कुड नॉट ट्रैवल एंड माई मदर जस्ट पैनिक्ड. क्या अब्बू की भी वही सर्जरी थी और मेरी भी थी. मेरी फरवरी 15th अब 2011 में सर्जरी, जनवरी 24th माय फादर पास्ड अवे. माय मदर डिडंट केयर अबाउट इद्दत और एनीथिंग, शी जस्ट ट्रैवल्ड टू मी एंड शी वाज सो वरीड अबाउट मी. तो फरवरी 15th मेरा हुआ टोटल हिप रिप्लेसमेंट. उसमें ऐसा लग रहा था, और वो पहले ही दिन आपको सर्जरी करके खड़ा कर देते हैं ताकि सर्कुलेशन हो, जो शायद अब्बू की नेग्लिजेंस थी वो. एंड खड़ा कर देते हैं
एंड अब्बू आपको एक मिरेकल भी बताऊंगी, मिरेकल सुनेंगी आप? बिल्कुल। तो अब्बू जैसे एक शॉल पहने हुए थे जब उनकी डेथ हुई थी, तो ब्राउन शॉल नहीं होती जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर क्वेटा की ब्राउन जिसपे ग्रीन सी स्ट्राइप होती, बिल्कुल बिल्कुल, तो अम्मी वो ले आई थी। अच्छा। तो अब जब खड़ा कर दिया मुझे उस सर्जरी के बाद, एक्सक्यूज मी, तो मैंने कहा अम्मी अब वो, उन्होंने कहा आपने वॉक करना है, तो वॉक क्या करना है, वो वॉकर पे आप एक एक स्टेप लेते हैं, लाइक अ वीक आफ्टर माय सर्जरी। मैंने कहा अम्मी मुझे ठंड लग रही है, मैं एले में थे हम, तो मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉल दे दें। अम्मी ने कहा ये अब्बू की शॉल है, नहीं मैं नहीं दे रही। मैंने कहा अम्मी जस्ट गिव इट टू मी, मैंने कहा गंदा क्या कर देना उसे, जस्ट गिव इट टू मी। आई वेंट आउटसाइड और अब्बू को गए हुए कोई 15-20 दिन हुए होंगे। I went outside, I looked up at the sky, I stood there, open air, and I took the shawl and I said, Abbuji, if you can see me, if you're with me, show me a sign. And maine wo shawl pehni and main halka halka walk karke bahar nikli. And just cross kiya, to across the road ek gaadi ruki. अचानक से एक औरत थी, शी सेड हे, सो आई जस्ट टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर एंड आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उर्दू में बात करूँ। नहीं नहीं, मेक सेंस, सही है। हाँ, बट सही। तो सामने उस औरत ने अंग्रेजी में मुझसे कहा कि हे देयर इज एन ऑरा अराउंड यू, और मुझे रुकना पड़ा देख के कि एक लाइट है तुम्हारे इर्द गिर्द। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी 37 बोन्स टूटी थी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओह वाओ। और चली गई। वाओ। सो आई थिंक अल्लाह डिड समथिंग फॉर मी, कि मुझे वो एनकरेजमेंट उस वक्त चाहिए थी। बिल्कुल। और वो मिली मुझे। और फिर अम्मी चली गई मई में, बिकॉज पाकिस्तान घर था एंड एवरीथिंग। अम्मा चली गई मई में। सो यू आर अलोन विद योर हस्बैंड? माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ। और जून के बिगिनिंग में, दैट वाज, आई वाज मिक्सिंग अप दोज डेट्स, जून के फर्स्ट वीक में मुझे, क्योंकि इसमें दर्द था तो आप वेट इधर डालते हैं, तो मेरा राइट नी कोलैप्स कर गया। तो मैं गई, जब मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा दिस नीड्स अ नी रिप्लेसमेंट नाउ। And you knew what you had gone through. Oh God. And then that, this was 2011, June. 2008 से ये चल रहा था सफ़र मेरा। तो मैंने डॉक्टर को देखा, मैंने अपने मियाँ को देखा। उस दिन मेरे मियाँ की आँखों में आंसू आ गए थे, वो मेरे सामने कभी नहीं रोते थे। तो उनको देख के मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जस्ट डू इट राइट नाउ। तो उन्होंने कहा डेट हम आपकी फ़ौरन लेते हैं। मैंने कहा जस्ट फिनिश इट, जस्ट डू इट, जस्ट गेट इट ओवर विद ना। उस दिन मैं कभी ना शुक्री नहीं हुई थी, उस दिन थोड़ा सा जैसे बोला तो नहीं, दिल में थोड़ा सा गिला आ गया। और मैं बहुत दूर था वो हॉस्पिटल, राउंड अबाउट एन आवर और सो ड्राइव, और हम लोग फ्रीवे पे थे, मेरे हस्बैंड चुप ड्राइव कर रहे थे, मैं चुप बैठी हुई थी, कि जैसे नेवर एंडिंग लग रहा था हमें ना, हम लोग चुप बैठे हुए हैं। तो दूसरा मिरेकल देखो क्या हुआ। अल्लाह मियाँ मुझे नाशुक्रा होने भी नहीं देते। आई थिंक ही इज़ हैप्पी दैट आई एम ग्रेटफुल एंड आई हैव ग्रैटिट्यूड। आई'ड लाइक टू बिलीव दैट। अपने आप को गुजादे ही समझ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, आई थिंक, लेकिन आई थिंक ही डिडंट वांट मी टू फील दैट। सडनली जैसे ना सामने, जैसे फ्रीवे पे जा रहे हैं तो ओपन स्काई से ना, जैसे आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, पूरा स्काई जैसे एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सा बन गया। अचानक जैसे बादल की जैसे वाटरफॉल सी लगने लगी, ऑरेंज एंड पिंक्स एंड ब्लूज एंड वाइट्स के कुछ अजीब से कुछ जैसे पेंटिंग सी बन गई। जैसे अच्छा, हम दोनों बात ही नहीं कर रहे थे, चुप बैठे हुए थे। मैंने कहा बाबा, बाबा कहती हूँ मैंने कहा बाबा आप ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर लॉस एंजलिस की ज़रा आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पे बिग बेयर माउंटेन है जहाँ पे बर्फ़ भी होती है। तो वो माउंटेन के ऊपर जो ऊपर एक टॉप्स थे, वो उस पर सन ऐसे आ रहा था कि वो गोल्डन हुए हुए थे।
पता नहीं क्या मंजर था वो. एंड फादर एंड आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग. एंड हम उतरे और हम फोटोज लेना शुरू हो गए. कितना अनरियल लग रहा है. अल्लाह मियां ने जैसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि डोंट, आई एम देयर, डोंट थिंक लाइक दैट. एंड हम पता नहीं कैसे घर भी आ गए और हमने कहा, बस मैंने कहा बाबा जस्ट जल्दी से करें, बस ख़त्म करें. अम्मा को पता चला, अम्मा ने कहा मैं आती हूँ. मैंने कहा नहीं आप ना आए, आप बिल्कुल ना आए, एंड हम लोग कर लेंगे. उसके कोई June 15th यानी कि विद इन 10 days मेरा नहीं रिप्लेस हुआ. उसमें तो मुझे लगा था, फिर वो खड़ा कर देते हैं, उसमें मुझे लगा राबिया जैसे कि मैं, मेरे हर सांस में मेरी रूह बाहर जा रही है और फिर रूह वापस आ रही है. इतनी मैं वीक हो गई थी. एंड उसके बाद मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब हुई. एंड अब जैसे जून से समझें नवंबर हो गया, मैं वॉकर्स क्रचेस पे ही थी. एंड 6 months के अंदर वो वॉकर्स वगैरह छोड़ता है इंसान, फिर चलता है. मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई. अब मैंने अम्मी मुझे बताती नहीं थी, जो पता चला कि शी इज़ अलोन एंड शी बस ऐसे बोल गई. हर 12 hours पे बात करती थी मुझसे. okay. अबू भी करते थे पहले, 12 hour डिफरेंस है लॉस एंजलिस में. तो शी टोल्ड मी के बेटे मैं अकेली हूँ अभी, एंड आई कुड नॉट टेक दैट. एंड उन्होंने कंप्लेन नहीं की थी, जैसे रैंडम बताया कि आज मेड नहीं थी घर में टाइप थिंग. आई जस्ट कुडंट टेक इट. एंड आई जस्ट टोल्ड माई हस्बैंड के आई वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान. ही सेड बट आप तो मतलब वर्कर्स के साथ हो एंड एवरीथिंग, आप कैसे जाओगे? और उनका भी पेपर वर्क, अगर वो निकलते तो वापस नहीं आ सकते थे. तो मैंने कहा माई मदर नीड्स मी. ही सेड यू सेड मदर एंड मैं मना नहीं कर सकता. तो फिर मैं डायरेक्ट फ्लाइट टू दुबई फॉर 15.5 hours और सो. और दुबई पे 2 घंटे का स्टॉप ओवर. और मैं इतनी वीक थी, व्हील चेयर मैंने कराई थी एंड एवरी थिंग, जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई मम. और मैं इतनी वीक थी, वहाँ 7 hour डिले हो गया. ओह गॉड. फिर तो मुझे लगा कि जैसे कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर ली है. आई कैन इमेजिन कि ना मैं उधर हूँ ना मैं इधर हूँ. और कोई है भी नहीं साथ इसमें. कोई भी नहीं. बट अल्लाह मी आई थिंक पुट्स दैट एनर्जी इन यू. और मैं जब कराची लैंड की हूँ तो मैं जब अम्मी के दरवाजे पे पहुँची हूँ तो मैं बगैर वॉकर के चल रही थी. माशाल्लाह. अगर आई वाज जस्ट सी हर एंड शी गेव मी दैट एनर्जी. एंड फिर मैंने अब्बू से वादा किया था, अब्बू आपकी बर्थडे पे आऊँगी. तो November 8th तो नहीं आ सकी थी, वो तो January में चले गए. अम्मा की बर्थडे मैं 1 महीना रुकी. देन आई हैड टू कम बैक फॉर माई थेरेपीज एंड ऑल. तो अम्मा की बर्थडे करके मैं निकली. उसके 1 हफ्ते बाद ही आई थिंक मुझे देख कर ही वो अबू के बाद वो नहीं हैंडल कर सकी कुछ भी. एंड आई थिंक व्हेन शी सॉ मी डूइंग वेल शी जस्ट थॉट ओके आई एम डन. आई थिंक वो मेरे लिए जिंदा थी जैसे. शी वॉन्टेड गो फाइट विद माई डैड. वो कैसे चले गए, रिजवान कैसे चले गए? मैं बीमार थी, मुझे हॉस्पिटल में था, मैं मुझे हार्ट प्रॉब्लम था, माई मदर हैड हार्ट इशूज एंड स्टफ. तो बट शी कुड नॉट बिलीव दैट माई डैड पास्ड अवे. वो तो बीमार ही नहीं, वो तो गिरे हैं बस ये हो गया. माशाल्लाह सी वाज ऑलवेज हेल्थी. तो अब मेरे जाने के 1 हफ्ते बाद फिर भाई आ गए मेरे लंदन से. उन्होंने उनका ख्याल रखा, फिर अम्मा ठीक हो गए थे. हमें देख के ठीक हो जाती थी जब हम जाते थे. तो फिर उनकी देन शी जस्ट इन मार्च शी जस्ट सेड के बट आई थिंक माई टाइम हैज़ कम, मेरा वक्त आ गया है. और मैं फिर पैनिक कर गई. मैंने कहा मैं आ रही हूँ फ़ौरन. मैं 9th of March को पहुँची हूँ रात को, वो क्रेज़ी फ्लाइट्स लेकर. एंड 9th को निकली हूँ, 10th को पहुँची हूँ. एंड 11th मॉर्निंग उनके पास मैं सुबह में जब रात को मैं पहुँची एंड शी हैड ऑल दोज पाइप्स इन हर. एंड आई सेड अम्मा मैं घर जाती हूँ, सुबह में आती हूँ आपके पास. जी सर. आई सेड क्या आपने कर दिया, बोर किया आपने मुझे बहुत. अच्छा शी वाज सपोज्ड टू कम टू मी. एंड
अम्मा ने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हारे पास वहाँ अमेरिका में कोई नौकर भी नहीं होंगे, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगी। उस वक्त भी सारी बातें सोच रही थी, ये सोच रही थी कि मैं सच अ गिविंग पर्सन, आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने कहा अम्मा बस आ जाएं, अब तो मुझे खाना बनाना भी आता है। तो माय हस्बैंड टुक द फोन फ्रॉम माय हैंड एंड सेड आंटी आप आ जाएं, मैं हूँ आपका नौकर। वाओ माशाल्लाह, ऐसा आदमी है को दुनिया में? खैर तो बट उनकी कंडीशन ऐसी हुई कि वो ट्रैवल नहीं कर सकी। सूटकेस भी पैक था, कपड़े तक तैयार थे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई सेड के बताइए क्या करना है, पेसमेकर करना है, क्या करना है। दे जस्ट सेड, द डॉक्टर लुक्ड एट मी एंड सेड अ फ्यू मिनट्स और एन आवर। आई एम सो सॉरी एंड आई कुड नॉट, आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम हियर नाउ, आई विल मेक ऑल द डिसीजंस, आप करें जो भी ऑपरेशंस करने हैं, जो भी करना है। And then this, then I just, I didn't know what to do. Then I called my brother in London. मैंने कहा they're saying this Rehan and just आप बात करो। मैंने फ़ोन रखा मम्मी के कान पे। Then I just started calling family just say, because you didn't know what to do. But at least Allah ने आपको support किया। My cousin Maria was with me. Maria Vasti is my first cousin. तो she came, वो यहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझसे सर्जरी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं बैठी हुई हूँ एंड अम्मा वाज लुकिंग इन माय आईज एंड आई एम लुकिंग एट द ऑक्सीजन, इट वाज जस्ट गोइंग डाउन 30, 20, 25। शी वाज लुकिंग इन माय आईज एंड देन शी वेंट एंड बट दैट मोमेंट जस्ट स्टक विद मी फॉरएवर। अपने सामने इस तरह होते हुए ना, आई वाज जस्ट स्टक इन दैट मोमेंट फॉर लाइक 6 months। अचानक ही जैसे गई है ना, आई एम लाइक सडनली जैसे मैं बड़ी हो गई, मैं सबसे छोटी हूँ। एंड सडनली आई सेड ये करें वो करें घर पे ये करें, एंड आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड आई जस्ट सेड अब अम्मा को कोई नहीं देखेगा, घर पे जाके मैंने डिस्प्ले नहीं करना है कुछ भी। ओके, आई जस्ट सेड, I told my cousin, my puppy's son Kashif, I just said आप इधर रुको, मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ, बिकॉज कोई न्यूज़ निकल आई थी एंड ऑल द कैमराज वर आउटसाइड। ओके, एक तो ये भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आप सोचें what did they want to see now? Yeah, my mother was on screen all her life. What did they want to see now? वो भी इस वक्त स्टेज पे यू डोंट नो द लेवल। अबू कहते थे ना हर बात लेवल की होती, द लेवल ऑफ what are you gonna get now? जस्ट न्यूज़ बिट। तो मैंने कहा कोई नहीं देखेगा इनको, नो गोना टेक। घर पे पहुंच गए थे सब कैमराज, हॉस्पिटल पे थे, देन दे उनको लिफ्ट से लिटरली निकाल के ना, देन आई मेड सच अ डिसीजन। मैं इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, बोलती ही जा रही हूँ। आई मेड अ पर्सनल डिसीजन कि आई एम नॉट गोना टेक हर होम, पुट हर इन द कोल्ड स्टोरेज। बिकॉज ऑल ऑफ दिस दैट वाज हैपनिंग, आई जस्ट डिडंट वांट एनीबडी टू सी हर। I put it in the cold storage and I hated doing that, but then I said just do the burial now. Okay, I'm an Aries na, to main bahut impulsive bhi hu. So do it now, I don't want people to come and see her. And maine kaha fajar mein karte hain. Then my susar came and he said bete jitne log dua karte hain उनको देख के मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली थी, जितने लोग दुआ करते हैं उतने ही सवाब मिलता है जाने वाले को। एंड देन मारियाज मम सेड आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर, शी इज़ माई खाला। तो मैंने कहा उनका भी राइट है, तो ऐसा ठीक है जुहर कर देते हैं। सो शी टुक अ फ्लाइट एंड वी डिड जुहर एंड दैट्स इट। एंड देन आप नहीं सोच सकते हो कितना टफ टाइम था, एंड आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि मुझे सोयम के दिन, मगरिब के वक्त सोयम के दिन फ़ोन आता है फ्रॉम चैनल्स एंड फ्रॉम पीपल हु वर्क्ड विद माय पेरेंट्स फॉर सो लॉन्ग, क्या आप कल सुबह आ सकती हैं मॉर्निंग शो में? सीरियसली? यस। द कैलसनेस, द ओह माय गुडनेस, द लेवल, द क्रुएल्टी, एंड आई वाज लाइक जस्ट बिकॉज आप सोचो, लेवल देखो, मेंटल लेवल देखो, दीज आर द पीपल दैट माई पेरेंट्स गिव देयर लाइव्स
to the industry, and they were calling me for me to come and shed 2 tears for TRPs. I couldn't believe it. So yeah. चलिए अल्लाह उनको अपने बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा रखा होगा और अल्लाह आपको हिम्मत दे। या मैं तो आप तो राबिया बोल ही नहीं रही है, मैं तो देती जा रही हूँ इंटरव्यू। नहीं नहीं मैं आगे बोलूंगी नहीं मैं तो शुरू ही हो गई ना बस। नहीं बिकॉज ये मैं तो कह रही थी कि जो आपका जर्नी था ना, एक के बाद एक चीज फेस करना, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया ना। लाइक अल्लाह ने आपको चैलेंज दी, आसानी भी की, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि एक चैलेंज के बाद दूसरे चैलेंज से गुजरे। अम्मा के बाद मेरा शोल्डर कोलैप्स हो गया था, लेफ्ट शोल्डर, बिकॉज वो स्टेरॉयड डैमेज तो है हर जगह ही है स्केलेटन में, तो फिर शोल्डर मेरा ऐसे कोलैप्स हो के ऐसे हो। और आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं थे, वो वहीं पे थे ना? नहीं नहीं, अम्मा के बाद तो मैं वापस चिप गई हूँ, वापस चली गई तो शोल्डर कोलैप्स हो गया, स्ट्रेस से शोल्डर कोलैप्स हुआ, बट ऐसे हो गया बाजू। एंड मैं प्लेट नहीं धो सकती थी, मैं कंफर्टर नहीं लिफ्ट कर, मैं बाल नहीं बना, पोनीटेल नहीं बना सकती, उठ ही नहीं सकता था यार। देन समबडी सेड कि इसका आप रिप्लेसमेंट नहीं कराओ, जस्ट गो टू द पूल एंड वाटर थेरेपी करो। तो ये भी, दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे हियर दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे and I'm telling this journey in so much detail, might just help some people. So ye collapse ho gaya to bone to ab jaise paude ko pani nahi dete to wo brittle hoke toot jayega, khatam ho jata hai, murjha jata hai, waise ho gayi bone to collapse ho gaya. To unhone kaha pani mein buoyancy of the water mein jab aap move karte hain to muscle resistance badhti hai. To I started going to the pool. I don't know how to swim. So मैं वेट सूट पहन के ना, एग्जाम टॉल वुमन, तो आई वुड स्टैंड इन 5 feet और सो एंड जस्ट मूव माई आर्म्स एंड लेग्स। सो उससे ये हुआ कि आई कैन मूव माई आर्म नाउ एंड सो दैट्स अ टिप फॉर समबडी हुज़ गॉट जॉइंट और बोन डैमेज कि वाटर थेरेपी डज वर्क। सो आई डिडंट डू द सर्जरी फॉर दिस एंड आई जस्ट डिड द वाटर थेरेपी माशाल्लाह से। आई यू हैव टू, you can't just be thinking about ke ye kya ho gaya mere sath kind of thing. You have to think of ye 5 cheeze nahi hai na, ye 95 cheeze hain. And then in LA I started volunteering for disabled students because I realized ki meri ye problems hai na. Then I started volunteering for visually impaired and hearing impaired people. I'd go to school for them, school kehte hain wahan pe, even if it's university, go to school for them, I'd take their notes down for them, then jo dekh nahi sakte the to unke liye main unka exam read out karti thi, and jo jinke haath pair aise hote hain jo pen ya pencil nahi pakad sakte ya type nahi kar sakte to unke liye main scribe karti thi, wo bolte the to main likhti thi unke liye ya type karti thi unke liye. Wo bhi ek bada experience hoga aapke liye. See, if I think of myself as disabled, there's always, you're always better than a million other people. Yes. आप ये सोचें अगर कि हाँ ये हो गया तो फिर आगे क्या है, आप अंदर ही अंदर खुद ही डिटीरियरेट हो जाएंगे. तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन समथिंग एल्स दैट्स पॉजिटिव. बिल्कुल. तो दैट्स व्हेन आई, उसके बाद एक और मिरेकल हुआ था. मजे की बात बताती हूँ. एक दिन मैं, अभी 2 साल पहले की बात होगी, आई वॉज सिटिंग इन माई हाउस एंड आई वॉज रियली टायर्ड दैट डे फॉर सम रीज़न एंड आई सैट डाउन एंड ऑन द काउच इन फ्रंट ऑफ द टीवी. आई सेड अम्मा बहुत याद आ रही हैं आप, एंड आई जस्ट पिक्ड अप द रिमोट एंड आई स्विच्ड ऑन द टीवी. और कोई DMG केबल टाइप को चैनल लगा हुआ था, नॉट इवन अ रेगुलर चैनल. उस पर अम्मा का ड्रामा था. सो स्वीट. नो, देयर इज मोर. ओके. She was sitting with this Rehan Sheikh and Leila Lagari, एक actors हैं. Oh, Rehan Sheikh is a brilliant actor. Leila Lagari एक actress हैं. वो अम्मी की बेटी बनी हुई हैं. Her name is Leila. नाम है उसका Leila. And she is hugging her and saying, "I love you, my baby." Scene ये है. वो Leila को hug कर रही हैं. और मुझे baby कहते थे घर में. Leila कहते थे घर में. Leila Lagari and baby. I was like, "Thank you, mom." Thank you, Allah, yeah. So I try to get inspiration from little things. Yeah, I know.
इट्स रियली रियली थैंक यू सो मच. आपने अपना ये बहुत पर्सनल जर्नी थी. हाँ एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने शेयर किया और इतनी डिटेल्स बताई हैं. अब थोड़ा हल्का हम आ जाते हैं, मुझे बताएं आप जो ये साहब हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आप इतना कैसे मिले थे ये बताएं. We actually worked together. मजे मजे की डिटेल अब बताती हूँ. अब जरा रोमांटिक एंगल पे आ जाते हैं. अब बताती हूँ. कोई रोमांस as such था नहीं. It's not very romantic. We worked together for a project. He was my associate and I was the director. And the first time I met him and I said something like, अच्छा तो आप हैं project पे. He came to meet me. Office में थे. MD के एंड ही सर सर क्या होता है जी बोले. सीरियसली फर्स्ट थिंग आई सेड टू हिम. ओके और अब मैं जी बाबा जी 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 क्या पता था. तो खैर वी वर्क टुगेदर फॉर 2-3 मंथ्स ऑन अ प्रोजेक्ट एंड वी वर्कड इन क्रेजी टाइम्स लाइक दिन रात रमज़ान एवरीथिंग एंड जैसे सेरी से शुरू जाता था काम एंड ये वो. तो मैंने सारी उम्र अम्मी अब्बू को कहा मैं पहले पढ़ने जाऊंगी. पहले पढ़कर आई फिल्म मेकिंग की UCLA से. केम बैक देन आई वाज विद नदीम बेग राज टीवी. आई वाज मैनेजर एंटरटेनमेंट ही वाज डायरेक्टर एंटरटेनमेंट. वी वर हेडिंग राज टीवी एंड तो देन वी डिड अ प्रोजेक्ट ये वाला किया मैंने फ्रीलांस. उसके बाद ही वाज आल्सो वर्किंग एट राज टीवी. And then he did a show for a new channel, and he called me. Now I didn't know that he liked me. अच्छा मुझे कुछ नहीं पता था. तो he there was this channel that did a morning show. I did a morning show for him called Leela at 9. Okay. So it was at 9 in the morning. So it was Leela at 9. और उसमें कुछ segments थे, guests आते थे, typical for a smaller channel. And he was the director and I was the host. वो ख़त्म हुआ. उसके बाद एक कोई जैसे टीम जैसे लंच पे गई और समथिंग ही कॉल्ड हिज मदर देयर एंड आई वाज जस्ट नॉर्मल देयर एंड आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी अप ऑन द फोन एंड ही सेड दैट आई कॉल्ड माय मदर देयर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन सेंडिंग अ प्रपोजल. नाउ माय पेरेंट्स हैड वो तो एल ए भी रिश्ते भेज रहे होते थे. सो इट वाज सो क्रेजी के पता ही नहीं होता था. वो हमारे दोस्त का बेटा वो आ रहा है, वो फलाना डॉक्टर, वो कनाडा. और मैं रेजिस्ट करती रहती थी कि आई वांटेड टू स्टडी एंड आई वांटेड टू वर्क एंड आई वाज हैप्पी विद माय वर्क. बट फॉर सम रीजन व्हेन दिस वन हैपेंड आई हैड वर्कड विद हिम इन वेरी टफ टाइम्स एंड आई थॉट यू नो वी वर्कड ऑन अ क्रेजी प्रोजेक्ट टुगेदर एंड बड़ा क्रेजी टाइमिंग से वी नेवर लॉस्ट आवर कूल. हम लोगों ने कभी गुस्सा नहीं किया. तो मे बी इन रेट्रोस्पेक्ट दिस माइट वर्क इन रियल लाइफ ऑल्सो. तो आपने बड़ा कॉन्शियस एक सोचा समझा लिया था. नथिंग दिल वाला नथिंग. नहीं नहीं कुछ भी नहीं उनकी तरफ से लव था. अच्छा तो वो दो महीने जो काम भी गए तो उसमें भी कोई अंदाजा नहीं हुआ आपको? कभी कुछ फीलिंग नहीं आई? नहीं क्योंकि आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन व्हेन आई एम वर्किंग व्हेन आई एम अ डायरेक्टर आई एम जस्ट होनिंग ऑन टू माय मॉनिटर में लगी हुई हूँ एंड सब स्क्रिप्ट में एंड एवरीथिंग. तो नहीं आई नेवर रियली पेड अटेंशन कि लड़का है लड़की कौन खड़ा हुआ है क्या है कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता था. और कोई रोमांटिक apparently somebody was watching me. ओके सो नहीं तो कोई रोमांटिक प्रपोजल नहीं आया उसके बाद? कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं हुआ? बस एक फोन पे कॉल आया. नहीं फोन कॉल आई तो आई वाज टेकन अबैक. मैं शादी का सोच ही नहीं रही थी. तो मैंने फिर आई जस्ट पता नहीं क्यों मैंने अम्मा से बोला फिर जाके. अच्छा अम्मा याद है वो टीम आई थी उस दिन और एग्जॉस्टेड थे सब. तो लिटरली वो जो मेरी असिस्टेंट थी नौशाबा एंड फहद वो इतने एग्जॉस्टेड थे कि वाकई ना लिटरली हमारे घर के करीब शूट हो रही थी. मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं घर जाके. वो लिटरली ज़मीन पे लेट गए थे इतने एग्जॉस्टेड थे. आके गिर गए थे दोनों. तो अम्मी मैंने कहा अम्मा वो यू रिमेंबर दैट गाय हु हमारे चौखट पे आके गिर गया था? खुद ही गिर गया था. वो दोबारा आना चाह रहे हैं? हाँ अब वो प्रॉपरली चौखट पे आना चाह रहे हैं. अम्मा ने कहा डू यू नो देम? आई सेड नो. आई सेड शी सेड हु इज द फैमिली? क्योंकि हमारे घर में आई एम फ्रॉम अ लॉन्ग लिनिएज ऑफ प्रोफेसर्स. मेरे परदादा भी प्रोफेसर थे एंड तो मेरे चचा प्रोफेसर्स टर्की में अमेरिका में कराची में. अबू कहते थे वो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली है बिकॉज ही वॉज अ बैंकर. तो मैंने उनके लिए एजुकेशन बहुत काउंट करती थी. तो अबू ने सबसे पहले पूछा कि कौन लोग हैं? एंड मैंने कहा मुझे नहीं पता आप खुद पता कर लें. ही सेड के
They were just relieved कि बेटी शादी करने के लिए बोल रही है. उन्होंने कहा बस ले आओ, कोई भी हो कर दो. कर दो. तो मैंने कहा आई थिंक उनकी मदर, ये लोग उनकी मदर वॉज अ प्रिंसिपल समवेयर, तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. हाँ ठीक है. हाँ मैंने कहा खुद ही चेक कर लें कौन लोग हैं. दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिसेंट स्वीट पीपल, सिंपल बेसिक. एंड देन उसी जो नेक्स्ट ईद थी फिर रिश्ता प्रॉपरली आया, दादी आई एंड सब एंड जोड़े एंड ऑल एंड दैट. तो एक काइंड ऑफ रस्म कर दी थी मार्च 2006 एंड दिसंबर में शादी हो गई थी 2006 माशाल्लाह. 14 साल कैदे बामुशक्कत फॉर फहद एटलीस्ट. या नहीं आई थिंक सही है. आई डोंट थिंक सो. अच्छा ये बताएं आपका पहला ड्रामा जो था एज एन एक्ट्रेस वो आपकी अपनी अम्मी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था. अम्मा रोट अ स्क्रिप्ट फॉर काजिम पाशा एंड काजिम पाशा साहब के लिए लिखा. तो काजिम अंकल ने कहा तुम्हारी बेटी करेगी. तो आई लव मिस्ट्रीज, आई एम अ मिस्ट्री काइंड ऑफ सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ पर्सन. तो वो अम्मा ने लिखा था बेगम हवेली, विच इज लाइक अबाउट अ हॉन्टेड हवेली. So I was like, yes, I'll do this. Yeah. I was about a young girl who goes into a haveli to do a job for a lady and something like that. It was something natural that I could do. It was just about a girl. Na? Yeah. So I could do that. I couldn't be Sahib-e-Alam. अच्छा मुझे बताएं तो वो प्रेशर था कि अम्मा का स्क्रिप्ट ऐसे ही तरह डिलीवर करूं. अम्मा कुछ उसमें मुझे उसके बाद कोई प्रेशर ही नहीं लगा ना. अच्छा. आई जस्ट हैड टू बी मी. ओके. जस्ट अ गर्ल. तो मेरा पहला सीन जो था वो जीनत यास्मीन साहिबा के साथ था. वाज अ यू नो थेस्पियन वेटरन एक्ट्रेस. तो मैं तो यू नो थोड़ा नर्वस हुई एंड वो प्रिंसिपल बनी हुई थी कोई और मैं उनके सामने आके जॉब के लिए आती हूँ फर्स्ट सीन और समथिंग. और मैंने किया वो सीन ऐसे हो गया फर्स्ट टेक में एंड एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग. एक तो ये प्रेशर भी था कि ताहिरा और रिजवान वास्ते की बेटी है, पता नहीं ये क्या कहाँ से आ गई है. तो व्हेन आई डिड द फर्स्ट सीन जब कट हुआ देन आई गॉट आउट ऑफ द जोन. आई सेड ओह आई कैन डू दिस एंड आई लाइक इट. लेट्स डू दिस बिकॉज़ आई डिडंट इवन नो दैट आई हैड दोस जर्म्स इन मी. So okay. I realized it by doing it. आपको कोई ड्रामा है अपनी अम्मी के साथ? किसी ड्रामे में किया आप दोनों ने? Yeah. We acted together. तो how was that? In a couple of dramas. वो कैसा था? एक मेरे मियाँ ने भी डायरेक्ट किया था. Single play था. तीनों थे साथ. मैंने दो तीन ड्रामे किए थे अम्मी अबू के साथ. अम्मी अबू असल में I'll tell you another unknown fact about me. My parents wanted me to be a singer. वैसे तो मुझे पता है आप अच्छा गाती हैं बट ये नहीं पता था. नहीं, जी नहीं. मैंने सुना हुआ है इससे नहीं निकल सकती हम एंड में आएंगे. सुने वो नहीं सुने. अच्छा. आप सोचिए 6-7-8 इयर्स की एज में ना हारमोनियम एंड टीचर एंड बिकॉज अबू की आवाज़ बहुत अच्छी थी. अबू वॉज नोन फॉर हिज वॉइस. रेडियो वॉइस ना इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते थे. नॉट अ डे गोज बाय दैट अम्मी की ब्यूटी और ग्रेस और अबू की आवाज़ का कोई जिक्र ना करें. तो अबू जो थे बेताले थे बिल्कुल. ये कुडंट स्टे इन रिदम. अम्मा कुडंट सिंग टू सेव हर लाइफ. शी वॉज़न्ट बेताली बट शी कुडंट सिंग. उनको बड़ा शौक था. तो मैं उन दोनों से शायद 1% बेटर थी. तो उन्हें लगा कि ये तो वाह ये बहुत अमेजिंग है. हर माँ बाप को अपने बच्चे उन्होंने कि अपनी ख्वाहिशें इसके थ्रू पूरी करते हैं. स्कूल से आती थी और वो टीचर बैठे होते थे. आई यूज़ टू हेट माई लेसन्स. सो दिस जस्ट काइंड ऑफ यू नो गॉट मी रियली इरिटेटेड विद म्यूजिक ना. ओके. उसके बाद आप सोचो मे बी आई वॉज़न्ट दैट बैड. निसार बज़मी साहब ओके उनके पास अब्बू मुझे ले गए और कहा ये मेरी बेटी है और आप अगर इनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर देंगे तो हमारी बड़ी ऑनर होगा. हम बड़े वील बी ऑनर्ड. अब मैं छोटी थी फिर माँ बाप के बारे में उनके सामने मना भी नहीं कर सकती थी. आई वेंट अलॉन्ग विद एवरी वीक. नॉर्थ नाजमाबाद जाते थे और उनके पास एक गज़ल या कोई गाना और मैं हारमोनियम बजाती थी. एंड यू नो ही यूज्ड टू रिजेक्ट स्टूडेंट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. अमेरिका से टिकट्स भेजते थे लोग मेरे सामने. और वो रिजेक्ट करते थे. पता नहीं मुझे क्यों नहीं किया. मुझे लगता था कि मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ. सिंगर ही नहीं हूँ. एंड
लिटरली आई वॉज इन ऑफ निसार बज़मी साहब. हर हफ्ते वो एक नसरों के सामने यूँ देखते थे, कोई कोई मुनीर नियाजी साहब की कोई गज़ल कोई ये, और यूँ ट्यून बना देते थे. आई वॉज इन ऑफ हिम. एंड फिर आप देखो उसके बाद जो टॉर्चर मेरे साथ और हुआ. फिर क्या हुआ? अम्मी अब्बू ने मुझे उस जमाने में कैसेट होते थे. उस पे क्या किया? सो नॉट कूल यार. उन्होंने निसार बज़मी साहब के साथ मेरी एक कैसेट रिकॉर्ड की. मेरे लिए तो ऑनर था टू जस्ट बी वर्किंग विद हिम, बट इट वाज आई फेल्ट लाइक मैं बहुत बेसुरी थी. एंड बज़मी साहब कहाँ है? I don't know where it is. उसको कहीं सीधे शालीमार किया? शालीमार कंपनी रिलीज हुई थी. हाँ, किसके लिए, कौन सुनता वो? बट रिलीज हुई थी. I don't know, रिलीज हुई थी या हमने सारे ले लिए थे. ओके. अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप वापस आई तो तब दिमाग में था कि इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन करेंगी जब आप पाकिस्तान वापस आई? मैं वापस आई हूँ बिकॉज माय हस्बैंड के उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी. ही हैड सफर्ड अ कपल ऑफ स्ट्रोक्स. तो आई डिडंट वांट टू मूव बैक. I did not, because I had adopted a pit bull. Okay. And that was my baby. Biscuit naam hai. Biscuit aayi. She was a girl. Nahi. And I used to be scared of dogs. Main wo thi na ki wo 6 mil door kutta hatao varna main nahi aa rahi. But when I adopted her, fir I understood ki dog ka hona ek aur hi world hoti hai. Pehle mujhe itna dar lagta tha usse. अच्छा, फिर भी आपने अडॉप्ट कर लिया? हाँ, मैं ऐसे 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 बर्तन धो रही होती थी, दूर दूर देखती थी, क्या छोटी सी पप्पी थी. तो देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, वो उनको बहुत पसंद थे डॉग्स. अच्छा, तो okay. इसलिए ऐसे बाबा वो तो मुझ पे छलांग मार रही है, मैं पीछे होती हूँ वो और छलांग मारती है 2 मंथ्स की. कह रहे यू द मास्टर, आप पीछे होगे उसको लगेगा इजाज़त दे रहे हो आगे आने की. तो बेसिकली यू डोंट ट्रेन द डॉग, यू ट्रेन द ओनर. आप आपकी इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं. तो या ड्रामों में कैसे वापस आई जब आप व्हेन आई केम बैक आई वांटेड टू, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई नो, ईदर डायरेक्शन और एक्टिंग. एंड डायरेक्शन टेक्स अप टू मच ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट. एंड जरा बहुत मैं जरा सी फ्रेजाइल ही थी, तो मैंने कहा इतना नहीं कर सकती. देन आई डिड अ प्ले कॉल्ड संसार, दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल ऑन हम टीवी. तो इतने दिन बाद जब खड़ी हुई कैमरे के सामने तो कैसा फील हो रहा था? फनी थिंग, मैं जब आई थी तो मुझे इतना, मैं देखती थी ड्रामा सारे, बट आई वॉजेंट फेमिलियर विद द इंडस्ट्री. द फन थिंग इज पीपल न्यू माई नेम लैला वास्ती, बट 10-12 साल जब आप गायब होते हैं दे डोंट नो योर फेस. सो दिस यंगर जनरेशन डिडंट नो माई फेस. तो मैं एक फ्रेश फेस भी थी. They could rely on me because of my previous experience, work and work. Profession. But I was a fresh face. So, ek tarah se main, aur ab main pehle aati thi heroine. Ab main aayi older. They didn't know where to place me. They were very confused. Behen, bhabhi type or character. So, all I said was, I don't care if you give me one scene. I'm just lucky to be walking. Yeah. Working. That's true. And alive. Yeah. I said, even if it's one scene, it should have some purpose, some performance margin. It should have some capacity to perform. Otherwise, please don't waste me. Yeah. I don't even mind ke mere biological jitne bade bacche nahi ho sakte na, utne bade bachon ki main maa ban chuki hoon drama pe. True. People get mad at me for that also. But I just feel ke main ye nahi kar sakti ke haan bete fresh ho jao. चाय पी लो. दे डोंट नीड मी फॉर दैट. एनीबडी कैन डू दैट. एंड ऑल्सो हमारी फील्ड में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट काइंड ऑफ आई एम नॉट हैप्पी अबाउट, बिकॉज व्हेन यू नीड एन इलेक्ट्रिशियन यू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन, व्हेन यू नीड अ डॉक्टर यू गो टू द हॉस्पिटल यू मीट अ डॉक्टर, और अ प्लम्बर यू गेट अ प्लम्बर, व्हेन यू नीड अ एक्टर आ जा तू आ जा, आ जाए आप आ जाएं. ये ऐसे कैसे होता है? डज दैट मीन दैट दिस प्रोफेशन इज ईजी? इट्स नॉट. यू टेल मी राबिया, आप सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज ले लो, इथियोपिया की भी ले लो, ड्रामा थिएटर हॉलीवुड सारी दुनिया की ले लो, तमिल हमारी कल्चरल हमारी
डिफरेंट सिंधी जो भी आप एक्टर्स देख लें, कितने एक्टर्स हैं दुनिया में, लाखों में, करोड़ों में, और आबादी कितनी है, लाखों में एक्टर्स होंगे करोड़ों। दिस वर्क इज नॉट नॉर्मल। आप क्यू पे रो रहे हैं, आप कट पे हंस रहे हैं, इज दिस नॉर्मल? तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग कोई, हम कोई फैंटास्टिक चीज़ कर रहे हैं बाकी लोग नहीं कर रहे, जो बाकी टेक्निकल क्रू है अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हो तो वी आर यूजलेस ना। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, वो ड्राइवर हमें पिक करता है, वार्डरोब हमारी इस्त्री हो रही है, मेकअप वाला हमारा मेकअप कर रहा है, मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है, फिर डायरेक्टर की अपनी इनपुट है, फिर असिस्टेंट हमें हेल्प कर रहा है, कॉन्टीन्यूटीज देख रहा है, देर ऑल गेटिंग अस ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर दैट डायरेक्टर्स विजन। उसके बाद फिर डायरेक्टर का विजन समझ के हम परफॉर्म करते हैं। तो इनके बगैर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इट्स नॉट रनिंग डाउन एनीबडी के इनका काम कम है और हमारा ज़्यादा है। इट्स जस्ट लाइक दिस इज नॉट नॉर्मल वर्क, दिस इज प्रीटी क्रेजी वर्क। ट्रू। तो उसके लिए लोग भी ट्रेन्ड और प्रोफेशनल। आई जस्ट फील लाइक इट्स वेरी बैड के वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ओके। आई जस्ट फील के यू फील के एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जो डिजर्व करते हैं। यस। ओके। फ्रॉम द ऑडियंसेस यू फील और फ्रॉम द आई फील जनरली आई थिंक जनरली ऑडियंसेस बहुत सों को पता ही नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं। ओके। उनको वो डेप्थ और वो जो एफर्ट है इसमें वो अंदाजा नहीं है। नहीं। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, फॉर द हेक ऑफ इट भी हो रही होती है। आई एग्री विद द फैक्ट कि हाँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितना सही नहीं होती, बट बहुत सारी जितना एफर्ट लगता है, सुबह 9 बजे उठ के आप जा रहे हैं, आप रात 11 बजे गिर रहे हैं घर। And I'm not talking about just the actors. What about the crew? वो तो रात 12-1 बजे घर पहुँचते हैं। पूरा project है। Yeah, everybody is giving the 100%. और गर्मी में बगैर फैन के, बगैर एसी के, because लोगों को पता नहीं होता, this will also teach people के फैंस और एसीज जून जुलाई की गर्मी में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियो के इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ माइक्स लगे होते हैं, वे लिटरली हम बह रहे होते हैं अंदर, हम एक एक लाइन पे टिश्यूज कर रहे होते हैं। नॉट सेइंग कि हम बहुत कोई ग्रेट अचीवमेंट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मुझे यही काम आता है, इज ऑल आई कैन डू। डायरेक्शन आती है, एक्टिंग, दिस ऑल आई कैन डू, मे बी सिंगिंग समडे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऐसा कभी हुआ कि आपको कोई जो नई, आई माइट सिंग माय दादा जान्स ट्यून विद माय विद बज़मी साहब्स, दादा जान्स ट्यून, दादा जान्स पोएट्री एंड माय बज़मी साहब्स ट्यून, आई माइट जस्ट सिंग अ लिटिल बिट इफ आई कैन, एंड इफ इट डजंट कम आउट राइट जस्ट एडिट इट। आई डोंट इवन नो व्हिच सुर टू स्टार्ट फ्रॉम, आई हैवंट संग इन एजेस। I know you'll put it in the promo. Agar acha jaye, you know so well. And I'm like, kar le, kar le, ding 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 ding, and beach mein your music, and then I'll try. If it's not right, just edit it out. Of course. I just remember a misra of it. Aage to hum pe lutf tumhare kuch aur the, वो आसमां था सितारे कुछ और थे, आगे तो हम पे लुत्फ तुम्हारे कुछ और थे। वेरी नाइस। बस आई जस्ट रिमेम्बर दिस लिटिल बिट। वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। मतलब बज़मी साहब, ओह माय गॉड, हाँ, और आपके दादा की पोएट्री। यस। तो मैंने ना अभी अपने चाचा को टर्की में ईमेल किया, तनवीर अंकल को, इज माय, आई जस्ट लॉस्ट टू चाचास टू कोविड बाय द वे, सगे चाचा, दैट्स सो सैड। मुनीर वास्ती, प्रोफेसर ऑफ इन कराची यूनिवर्सिटी, नवंबर 25th एंड December 27th मैं चाचा इन रोड आइलैंड, बस या तो मैं तनवीर अंकल को मैंने कहा कि दादा जान की वो पोइट्री है आपके पास, क्योंकि मुझे वो याद नहीं है, एक दो मिसरे ही याद है। तो ही सेंट मी, उनकी, दादा जान वॉज एन ऑथर, माय अबू वॉज एन ऑथर, ही रोट अ बुक ऑन शेरशाह सूरी एज़ वेल, माय फादर डिड इंग्लिश पोइट्री एंड माय दादा जान डिड उर्दू पोइट्री। माय फादर नेवर केम होम, एवरी सिंगल डे वुड कम होम विद समथिंग, खाली हाथ कभी नहीं आए। माय फादर वाज सच अ जेनरस मैन एंड एवरी डे वुड कम विद समथिंग टू ईट, लाइक मीठी पूरी, कोई सदर की, कोई
चना चाट फ्रॉम हैदराबाद. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल द चॉकलेट्स इन द वर्ल्ड, हर तरह की चीज़ें एंड बुक्स. एवरी डे वॉज अ बुक इन एट ब्लाइटन टू. एंड हमारी जब उर्दू ख़राब थी क्योंकि हम घर में और स्कूल में हमें इंग्लिश बोलना था, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में घर में भी अंग्रेज़ी बोलते थे अबू, फर्स्ट लैंग्वेज वॉज इंग्लिश. तो अम्मी उर्दू बोलती थी, तो अम्मी उर्दू राइटर भी थी, तो अम्मी नकूश मैगज़ीन वगैरह पढ़ती थी, उर्दू लिटरेचर घर में होता था, अबू की इंग्लिश की बुक्स होती थी, मैगज़ीन्स होते थे. तो हमें बहुत वी सो लकी कि हमें इतना अच्छा एक्सपोजर मिला कि हर वक्त एग्जैक्टली वही मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत मतलब और उर्दू उर्दू बहुत अच्छी हो गई बाय एक नॉवल आते थे महमूद फारूक फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद, इश्तियाक अहमद. सो वी वो उसके खास नंबर्स इतने बड़े बड़े होते थे. माई ब्रदर एंड आई, रेहान एंड आई यूज टू फाइट ओवर कि कौन पहले पढ़ेगा. उससे उर्दू इतनी अच्छी हुई. अब घर जाओ, अब डंक पे आ जाए, घर जाओ डंक करते हैं और फिर चलते हैं, डंक मारते हैं. पता नहीं कौन मारेगा डंक, अब ये सोचना है हमने डंक. जी जी जरूर पूछे. तो डंक कैसे आया, क्यों हाँ बोली बदर साहब से, क्या? I love his dramas. I've seen मोहसिन के या बदर साहब के, दोनों के, दोनों के. I've seen a little bit of कैसी है तन्हाई, then I followed Cheek to the Hilt completely. I loved it. Then I saw Ishqia. एंड उसके बाद मुझे ऑफर आई थी. आई जस्ट कुडंट से नो. ओके, बदर में वो आई डन. ओह नाइस. ओके, या आई लव हिज वर्क एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. ओके, आई एम अ डायरेक्टर, बट मैं एक्टिंग के वक्त स्विच ऑफ कर देती हूँ डायरेक्टर. आई डोंट स्टेप ऑन पीपल्स टोज. एंड मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिनसे मैंने कुछ लर्न नहीं किया. लेकिन जिनके साथ मैंने ये लर्न किया कि मैं आइंदा इनके साथ कभी काम नहीं करूँगी. सीरियसली, आई एम वेरी इधर, आई एम 100% देयर और आई एम नॉट देयर. सम डायरेक्टर्स दे ब्रेक योर स्पिरिट बिकॉज एक्टर्स होते ही सेंसिटिव हैं. अगर आपको, मी बीइंग अ डायरेक्टर ऑल्सो, मैं आपको समझिए आप एक्टर हैं, मैं आपको डांट दूँ तो शायद आप बेहतर परफॉर्म करेंगे. दूसरा एक्टर है, मैं उसको डांट दूँ वो ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त. यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी द सेम वे. तो सम सो कॉल्ड बिग डायरेक्टर्स, दे जस्ट थिंक के कैमरा प्लेसमेंट कर लिए तो दे आर डायरेक्टर्स. सम ऑफ देम रियली ब्रेक द स्पिरिट ऑफ द एक्टर. ऑन अ सेट आई डोंट टेक नेम्स एंड आई एम नॉट समवन हु लाइक्स टू गॉसिप, व्हिच इज वियर्ड बिकॉज़ एवरीवन गॉसिप्स. आई ओनली गॉसिप विद अ फ्यू जिनसे पता है कि बात कहीं बाहर नहीं जाएगी. ये तो काफ़ी लोग देखेंगे इंशाल्लाह. तो बदर साहब से क्या सीखा आपने? बदर से मैंने बहुत कुछ सीखा. ही इज सो clear in his mind as to what he wants from the actor. ke actor dekhe main ek cheez soch kar aayi hu lekin at the end of the day wohi baat ke sab taiyar hote hain for the director's vision. of course at the end of the day main kahungi maine aisa perform kiya to kahenge isko thoda sa yahan se tweak kar de. isko yahan kam kar de. yahan par aapka gussa zyada hai to isko yahan par aapko pata hai isse pehle ye ho chuka. and you know that we don't shoot linear. yeah you don't. People don't know that. A lot of people don't know. A lot of people are now understanding it because they are watching ki uska earring nahi tha aur wo tha. Yes. They're noticing and the audience is very smart very nowadays. Smart. They notice a lot of things. बहुत और फिर reviewers भी आ गए अब तो आप लोगों की जान का अजाब. हाँ, 99 अच्छी चीजें छोड़ के एक कोई मिस्टेक को क्यों नोटिस करते हैं? Has that become the personality of our nation? That's what I feel. Okay. You are, we are all focusing more on the negativity than, I'm not talking about you, I'm talking about the general, general audience. It's okay. आप नहीं करते हो. Feedback is always good. And आपकी बात से, आप नहीं करते हो ऐसे. Reviews में ऐसा करते नहीं. मुझे आपका program बहुत positive लगता है. कभी हो जाए तो हो जाए. ऐसा नहीं होता है कि हमें negative ही उठाने हैं. But अगर हमें कोई बात feel होती है तो definitely, because हम भी reviews करते हैं उसमें बोलते हैं. But going forward, notice करें mistakes, लेकिन अच्छी 95 अच्छी बातें भी तो करें. So मैं कोशिश करती हूँ. मैंने भी ओवर द टाइम सीखा है कि मैं बैलेंस आउट करूँ, कि मैं अच्छी चीजें भी पॉइंट कर दूँ और थोड़ी जिससे आप लोगों का ना सेट पे आना चाहिए जून जुलाई में. पता चलेगा आपके होश ठिकाने आएंगे. आप कहोगे मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती, हमें एसी वाले कमरे में बिठाए, हम अपने कॉपी पेंसिल पकड़ के रिव्यू ही करेंगे. लिटरली ऑन डंक, लिटरली द मेन वर लाइक ड्रिपिंग. हमारे सरों के अंदर से दरिया बह रहे थे पता नहीं चला साड़ियों में,
क्योंकि एक एक मिनट के बाद हम रुक के करते हैं और फिर परफॉर्मेंस कुछ अच्छी आ जाए को अप्रिशिएट कर ले तो यू नो दैट मीन्स अ लॉट. तो ये साड़ी का पूरा आई एम लविंग योर साड़ी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इतनी खूबसूरत. मैं वेट कर रही होती हूँ कि अब आप कौन सी वाली साड़ी पहनेंगी. क्या ये किस तरह आया कि साड़ी ही पहननी है? जिसने मुझे कॉल की थी ड्रामे के लिए, ही कॉल्ड मी फॉर द ड्रामा. यूजुअली प्रोडक्शन कॉल्स, बट ही कॉल्ड मी. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं आपको इसमें साड़ी में देखता हूँ. एंड आई सेड मेरे जहन में भी, जब स्क्रिप्ट भेजी थी ना मेरे जहन में भी आया था. ओके, तो आप साड़ी पहन लेंगी? मैंने कहा श्योर. एंड साड़ी पहनना आसान काम नहीं होता, इट्स सो डिफिकल्ट, वो भी गर्मी में इतनी लेयर्स. Yes, and it's so difficult to walk in it. And but I felt that that was the best decision by Badar because mujhe itne logon ne tareef ki hai. क्योंकि वो एक कैरेक्टर थी ना अपनी, एक वो पर्सनालिटी बन गई है. एंड आई एम ट्राइंग, मैंने अब तक जितने भी ड्रामे किए जब से मैं आई हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं हर ड्रामे में थोड़ी सी डिफरेंट लगूँ. और आप बहुत कामयाब हो रही हैं. रियली, आर यू नोटिसिंग दैट? आई एम नोटिसिंग. आई मीन दिलरुबा में आई लव्ड यू, आई कैन नॉट टेल यू. मतलब मुझे जो आपकी वो प्रोसेस था ना पूरा एज अ मदर दैट यू गो थ्रू, मैंने वो जर्नी आपके साथ किया. मुझे वो आपकी थकन फील हो रही है, मुझे आपका दर्द फील हो रहा है बेटे के लिए. एंड आई वाज लाइक how is she doing it? Because I try my best to be as realistic in the character. Because some dramas are a little filmy, over the top. Bilkul. Like that's the requirement of that drama. Some dramas are very realistic, like this is a very pertinent issue of Dank. Bilkul. This is a very social relevant issue right now. And that is a very real drama. It's a social ड्रामा ऑफ टुडे. उसमें बाल भी बिखरे हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे. वो जूड़ा हिला हुआ है तो डजंट मैटर. बट देयर आर सम चैनल्स एंड सम ड्रामास दैट रिक्वायर यू टू लुक परफेक्ट एंड एवरीथिंग, दैट्स आल्सो फाइन. मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं हॉरर मूवीज, डज दैट मीन के हॉरर मूवीज एग्जिस्ट ही ना करें? नहीं, बिल्कुल भाई. अगर मुझे ब्लू पसंद है दैट मीन्स आपको रेड पसंद है तो ब्लू क्यों है? इतनी लैक ऑफ टॉलरेंस क्यों है? आई मीन आई अग्री, हर तरह का ड्रामा आना चाहिए. आपको ये पसंद है आप ये देखें, आपको सोशल इशू पसंद है आप वो देखें, आपको रोमांस पसंद है आपको कॉमेडी, हर चीज होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए ना. बिल्कुल. हाउ कम कि ये ऐसा ड्रामा क्यों जा रहा है, इतना स्लो क्यों जा रहा है? डोंट वॉच इट. वी गिविंग यू एवरी टाइप ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एंड वॉच इट, यू नो. आई अग्री बिल्कुल आपके साथ के that makes sense. तो ये साड़ियाँ आई कहाँ से इतनी ढेर सारी? ये स्टॉक कहाँ से आई? मुझे चैलेंज होगा. मैं आपको मजे की बात बताती हूँ. ये जमाना था कोविड का. उस जमाने में, अब ये मैं ट्रेड सीक्रेट आउट कर दूंगी फिर. नहीं बता सकते छोड़ते. कोविड का जमाना था एंड साड़ियाँ यूजली बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं. एंड साड़ियाँ मैं फिर स्टिच भी करवाती हूँ तो उसकी स्टिचेस के भी एक्सपेंसेस थे. मुझे कुछ साड़ीज बिग बैंग ने दी थी एंड कुछ साड़ीज मैंने जाके बोल्टन मार्केट से ली थी 1100 की. लग नहीं रही है कहीं से भी. और मैं पूछूंगी कौन सी दुकान से ली है आपने. ये ट्रेड सीक्रेट है. तो इट्स, आई थिंक यू कैन वेयर, अगर आप कोई भी चीज़ पहने ना, इट्स हाउ यू कैरी इट. अगर आप कॉन्फिडेंस से कैरी करोगे ना, आप अच्छे लगोगे. अच्छा, 2 रुपए की चीज़ भी अच्छी लगेगी. आई एम नॉट अ ब्रांड काइंड ऑफ पर्सन. कुछ साड़ियाँ मैंने एक्सपेंसिव उठा ली थी, कुछ मैंने बोल्टन मार्केट से ली थी, कुछ बिग बैंग ने दी थी. दे वर काइंड इनफ टू डू दैट एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बिग बैंग एक्चुअली. मुझे बहुत अच्छा लगा. और कास्ट कितनी जबरदस्त है डंक की, जैसे हर कोई एक मोती की तरह पिरोया हुआ है, जैसे परफेक्ट है सब. सही बताएं, अगर आगे जाके चूज करना पड़ेगा बिटवीन सफीर एंड हैदर, तो अम्मा का वोट किसकी तरफ होगा? हमें ऐसा लग रहा है हैदर को जरा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है हैदर सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा आपके दिल में. सबा जो है ना, देखिए वो सिचुएशन क्योंकि आगे इतनी गंभीर होने वाली है. हाँ, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो मैं सुन रही, लोग कह रहे हैं कि आगे जाके ज़रा और कॉम्प्लिकेटेड होगी, रिवील कर नहीं सकते. जब अब तक की कहानी है वो अभी नज़र आ रहा है कि मिनाल से शादी तक का पॉइंट आ चुका है. तो आई डोंट थिंक आ मदर कैन चूज बिटवीन टू सन्स. ओके, आई एम नॉट अ मदर but I have 2 dogs and I do like one of them better.
सो यहाँ तो आपने जवाब दे दिया. ये होता है, ये होता है. बट आई डोंट टेल द डॉग्स व्हिच वन आई लाइक मोर. बट ये मुझे बताएं, वो एक सीन था जिसमें हैदर बिलाल जो है वो आपके उधर आके वो गोद में सर रखता है, वो सीन क्या, वो आपका वो ऐसे ही लिखा हुआ था, आपने कुछ अपना ऐड किया या उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया? बिकॉज़ दैट वाज सीन वाज सो ब्यूटीफुली डन. नो, द ब्लॉकिंग ऑफ द सीन एंड द पोजीशनिंग ऑफ द एक्टर्स, एवरीथिंग. इट्स आई से एनीथिंग गुड ऑन स्क्रीन इज अ डायरेक्टर्स क्रेडिट, एनीथिंग बैड ऑन स्क्रीन इज अ डायरेक्टर्स फॉल्ट. उस दिन वो असिस्टेंट गिर गया था या वो हो गया था या जूता नहीं था, डजंट मैटर. Because I'm also a director, I know anything good on screen is Badr Mahmood's credit. Okay. So anything he says, Badr ke saath, he's so, like I said, he's so clear in his mind that actor ko, that's what I learn. It's like I learn from him. Ke agar maine aisa socha tha, to wo kehta hai nahi, how about ye karke ye karein? I am learning and it's his approach that you really appreciate. Yeah. Wo to everything good on screen, jo usne blocking banayi thi god mein, ek to Mohsin ne likha bahut acha hai. Mohsin ne itne maze ke twist likhe hue hain. And he writes. So he writes it and sometimes jo screenplay likha hota hai ki jaise Saba baithi hai wo aata hai kamre mein bistar pe baithta hai, maybe he Badr just changes it to god mein sar rakhta hai. Okay. That of course. Lekin wo I think that scene was written. गोद में सर रखा था क्योंकि डायलॉग्स में था कि ये प्रिविलेज आप मुझसे कभी छीनिएगा नहीं. तो दैट वाज रिटन एंड द वे वी डिड इट एंड आई थपथपाना चीजें वो सब, एवरीथिंग इज एक्टर. व्हेन एक्टर डायरेक्टर राइटर इट्स ऑल अमालगमेटेड एंड इट बिकम्स लाइक वन सिंगल थॉट प्रोसेस, देन कम्स आउट लिटिल जेम. ना बट वाई इज शादी द सोल्यूशन, मतलब शादी क्यों सोल्यूशन है हैदर की? मुझे हैदर को टाइम नहीं चाहिए कि वो थोड़ा रिकवर कर जाए? और फिर अमल की भी शादी सफीर से करा दी, मशवरा भी आपने दिया. अभी तो अभी जहाँ तक तो इस पॉइंट तक ही हैं हम जहाँ पर मिनाल से शादी की बात है. हो गई अगली किस्त में जब तक आई डोंट नो सीरियसली आई सी द ड्रामा विद यू प्रोमो में देखा है, आई सी द ड्रामा विद यू. बस हम लोग तो अपने सीन शूट करते हैं ना. अब जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के दिखा रहे हैं, अजीका जो अपने घर में है, वो पार्ट वो चीजें मैंने तो नहीं देखी हुई शूट होते हुए, तो मैं भी तो ड्रामा पूरा देख रही हूँ ना. यासरा वाले सीन्स मेरे सामने मजा आ रहा होगा आपको देख के. आई कॉल्ड अप यासरा मैन, आई वाज लाइक यू आर अ पावर हाउस परफॉर्मर. या या वर यू रेडी फॉर दिस कंट्रोवर्सी एंड दिस बैशिंग दैट डंको थोड़ा शुरू में मिला? कंट्रोवर्सी What is it about? वो जो बयानात हुए थे फिर उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर क्या कि मीटू की जो मूवमेंट उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. You know, I mean, लोग समझ रहे हैं कि अगर ये ड्रामा है तो वो फेमिनिस्ट नहीं है जो ये सोच रहे हैं. देखिए, दिस इज ए स्टोरी. बिल्कुल. इट्स नॉट सेइंग कि हर केस ऐसा होता है या हर आप एक लड़की का दिखाएंगे तो दैट्स ऑल्सो ए स्टोरी. Take it as a story. But आप लोग expect कर रहे थे जब ये script आया, जब drama shoot हो रहा था, कि ऐसी बातें होंगी, दिमाग में ये चीज़ थी? No, I felt like this was a very relevant, pertinent issue of the times, and that I wanted to be a part of it. Apart from the fact that I just wanted to be a part of Badr Mahmood's cast, and this was my first project with Big Bang, as I mentioned earlier. But nahin, I didn't think it was going to be controversial. This actually happened. Yeah, but now, okay, I'll tell you what it is. This is a true story, and but वहाँ तक story end नहीं हो जाती. The consequences of taking that one action is what this story is about. Yeah. So in life, in general, anything good or bad that you do, it takes a second to decide. बिल्कुल. Either आप इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं. Yeah. So that is what she did. And उसके consequences are just the repercussions of her one single act of evil is trickling down where into the family. It's like termites, it's like Deemak in the house now, and she's there in the house. So this is what it is. It's like it doesn't end at the suicide of the professor. बिल्कुल. अब तो कहानी आगे चल रही है. It's very relevant and it should be shown कि हाँ, वो जेल चला गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया. ऐसे थोड़ी होती है. Life is not like that. It's not as simple as that. And you know, लोग कह रहे हैं कि हैदर सोच रहा है वो गिल्ट और उसने ये, real life में यही होता है गिल्ट.
थक 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 इज नॉट एन एक्शन थ्रिलर. बिल्कुल ऐसे तो नहीं होगा. रियलाइजेशन भी देर से आती है. इतने सीरियस से थोड़ा लाइट की तरफ ले जा रही हूँ मैं आपको. एक सिचुएशन दे रही हूँ जी. आप और डंग की कास्ट पूरी जो है, बिलाल, अजीका, सना, शहूद, शहूद अलवी साहब, फहा शेख, सलमा हसन, सैफी हसन, आप क्या कर रहे हैं? मिस तो नहीं किया ना नहीं. आप लोग गुले राना आप लोग एयरपोर्ट पे और आपने फ्लाइट मिस कर दी है और ड्यूटी फ्री शॉप पे हैं. ठीक है, मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी. कौन क्या कर रहा होगा, कौन जाके कॉर्नर ढूंढेगा और जाके सो जाएगा. ठीक है, कौन सबसे पहले ढूंढेगा मुझे वाईफाई चाहिए, फ्री वाईफाई. कौन कहेगा ड्यूटी फ्री शॉपिंग. कौन स्टारबक्स पे जाके कॉफ़ी ऑर्डर करेगा. कौन मुसलसल फ़ोन पे लगा होगा और कौन ढूंढे. कौन कंप्लेन कर रहा होगा यार ये बाथरूम बहुत गंदे हैं, यू नो. और कौन फैमिली के साथ फ़ोन पे लगा होगा. आई कैन रिपीट द सिचुएशन. नहीं नहीं, जो जो आपको टॉप पे याद आ रही है आप उनका जवाब दे सकती हैं. आई थिंक वाईफाई के लिए इट वुड बी मे बी बिलाल. बिलाल वैसे सेट पे बहुत सीरियस होता है. अच्छा, हाँ, ही इज वेरी सीरियस, इज वेरी फोकस्ड एक्टर. और वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर ना हम कॉर्नर्स में जाके स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे. फिर मैं कहती थी जब बाथरूम में ले जाओ. अच्छा. तो कॉर्नर क्योंकि लोग होते हैं, शोर हो रहा होता है. आई ऑल्सो डू दैट एज वेल. इज ए वेरी फोकस्ड, वेरी लाइक हॉर्सेस ब्लाइंडर्स वाला ना, कॉन्सेंट्रेटिंग काम करने में. हाँ हाँ, दैट्स व्हाई हिज क्राफ्ट शोज. सो या, स्टारबक्स की कॉफी आई थिंक वुड बी मी. Okay, and who will you take? Akele to nahi coffee piyengi? Gule Rana. Okay. She's a dear friend. Okay. I've worked with her a lot. And Shahud Alvi is a very old friend. I think bathroom ka complaint jo kar raha hoga, main bhi ho sakti hoon. Sana bhi ho sakti. Azika is very chilled. Okay. So yeah, she'd be the, I think, duty-free shopping. सैफी हसन कहीं सो रहे होंगे. अच्छा, ठीक है. एंड सलमा जो होगी, आई थिंक सलमा वुड बी विद मी एट द स्टारबक्स. आप सलमा गुले राना अपनी गॉसिप पर वुड बी चैटिंग, नॉट गॉसिप, चैटिंग कर रही हूं. हां, मैं सुन लूंगी गॉसिप, बोलूंगी नहीं, इंडल्ज नहीं करूंगी. सो गॉसिप का चांस है, लेकिन कुछ ना कुछ मजे की बातें हो रही होंगी वहां. सुन लेती हूं मैं कभी कभी. अच्छा, मैं बाद में भूल भी जाती हूँ बोल के कि मैं वैसे मुझे चीजें नहीं नहीं कुछ सुन लू ना तो याद नहीं रहता. अच्छा, फहद क्या कर रहे होंगे वो, इनमें से किस चीज़. फहद विल बी प्लेइंग म्यूजिक समवेयर बिकॉज ही लव्स प्लेइंग म्यूजिक ऑन द सेट एंड ही हैज गॉट अ रियली गुड कलेक्शन. Okay. And he's got a very good selection of music. Achha. I'm doing this other project with Fahad now. Okay, the next project. It's a working title for Big Bang, Azmaish, but I think it's going to be Tu Mera Nahi. Oh, okay. I'm revealing that. Aur abhi humne naan patai khilai aapko. Actually had two. Yes. I might have the third one. Yes, humne yahi rakh diya aaram se, humne itna bulaya. Publicity kare kahan se aayi hai? ये लाहौर की फेमस खलीफा की नान खटाई जो यहाँ मिल रही है, जो यहाँ भी मिल रही है. और हमने इतना बुलवाया कि लैला को बीच में ना ब्रेक लेना पड़ा. भूख लग रही है. हाँ, भूख लग रही है. और अभी हमने पकौड़े भी ऑर्डर कर दिए. चाय का दूध आ गया, अभी चाय भी बनेगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और बातें तो ऐसी हैं कि मैं करती जाऊँ. आएगा इसका देखें इंशाल्लाह. जब हम आपको नेक्स्ट आपकी ब्रेक पे पकड़ेंगे तो फिर हम बाकी सारे सवालात तब आपसे पूछेंगे. बट रियली दिल से शुक्रिया आपका कि आपने इतनी खूबसूरत बातें शेयर की, बहुत पर्सनल बातें शेयर की. एंड दैट वाज एन ऑनर फॉर मी एंड यूशिया बोथ के आपने इस काबिल समझा, आपको इतना कम्फर्ट था कि आप शेयर कर सकती थी. आई एम श्योर कि आपके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा. आई होप सो, आई होप समबडी गेट्स समथिंग गुड आउट ऑफ इट. एंड आई थिंक बहुत इंस्पायर होंगे लोग. ऐसा होता है बिकॉज जब मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू कहीं दिया था तो देन पीपल स्टार्टेड राइटिंग टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम नॉट वेरी टेक सेवी बट इंस्टाग्राम पे लोगों ने लिखा माय ब्रदर इज गोइंग थ्रू दिस, कैन यू टेल मी अबाउट दिस. एंड आई डोंट यूजुअली राइट ऑन इंस्टाग्राम एंड लॉट ऑफ पीपल राइट एवरी डे बट मैं नहीं जवाब देती. आई एम नॉट दैट पर्सन बट व्हेनेवर दे राइट अबाउट समवन बीइंग इल तो आप जवाब देती. एंड यू नो टू पीपल फ्रॉम द मीडिया आल्सो रोट टू मी. मुनीबा मजारी रोट टू मी कि आई एम इंस्पायर्ड. एंड देन मारिया मेमन हु इज अ न्यूज जर्नलिस्ट एंड शी आल्सो रोट टू मी एंड दे सेड दैट यू जब भी हम लो फील करते हैं देन आई थॉट के यू सो पॉजिटिव. सो यू नो इट डज अफेक्ट एंड दैट्स वाई आई एम हियर टुडे. आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट सो दैट
someone who's going through something bad, yeah, just depend on Allah. Everything, no matter what religion you are, just depend on the higher force and the higher power. And just do your best and stay positive. और एक और चीज़ भी होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है. बाहर हम सबको ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी परफेक्ट हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है. अल्लाह हर किसी को उसके मुताबिक जो भी अल्लाह ने इम्तिहान या जो भी आजमाइश देनी है वो देनी होती है. और दूसरी बात यह कि कभी कभी ऐसा भी है, जैसे आपके केस में एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, बट आपने हौसला नहीं छोड़ा. आई थिंक अगर कोई इस वक्त मुश्किल से गुजर रहा है तो मे बी उसको ये होगा कि हाँ, मुझे भी अपना हौसला कायम रखना चाहिए. And this too shall pass, ये टाइम भी गुजर जाएगा. बिल्कुल, आप जीता जागता सबूत है इस चीज़ का. Yeah, I did nothing, हिम्मत. एंड मुझे वो बड़ी बात अच्छी लगी थी बात, या तो आप रो सकते हैं या आप पॉजिटिव होकर. यही ऑप्शन है ना, दो ही ऑप्शन है, कुछ नहीं कर सकते और. तो माइट एज वेल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट और अल्लाह से शुक्र करें. वो अल्लाह कहता है ना, मुझसे शुक्र करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो मैं और दूंगा. सो बस ये बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. क्या मैंने पीटीवी वाली लाइन बोली है? हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. बट थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी. वी लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इंशाल्लाह सी यू सून अगेन.